कोचेस आहेत जे आपली महत्वाची काही जे स्किल डेव्हलपमेंट किंवा रोड मॅप टू कोचेस आहेत त्यांना सांगा प्लीज. वेलकम सर, आनंद सर. Yes, thank you. Good morning. Good morning all. आप सब लोग बोलते होंगे कि अभी तो शाम हो चुकी है फिर भी गुड मॉर्निंग क्यों. तो आपको पता है कि कैसा रहता है कि मॉर्निंग जब रहता है तो सात्विक वहां पे जैसे हमारे मन में तीन भाव रहते हैं, एक तो सात्विक, राजसिक और मानसिक. तो सुबह का जो पीरियड रहता है वो जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं वहां पे सात्विक पीरियड सब रहता है, इसलिए वहां पे ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है ऐसा हमारी संस्कृति बोलती है. फिर बाद में दोपहर का थोड़ा रहता है राजसिक और बाद में रहता है तामसिक. तामसिक रहने के बाद निद्रा वगैरह बाकी आ जाती है. और जो सात्विक रहता है उसको प्रकाशक बोलते हैं, जो प्रकाश देता है सबको. और जो राजसिक रहता है वो चंचल रहता है और तामसिक जो है औरक रहता है. तो ये राजसिक और तामसिक ये मन के दोष हो सकते हैं, लेकिन सत्व ये हमारे आत्म का गुण है. तो हम सात्विक भाव में ही सदा रहते हैं इसलिए हम गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं. और जब हम अच्छा सा अपना न्यूट्रिशन हर बार लेते हैं तो अपने शरीर का पोषण इतना जबरदस्त होता रहता है कि हर बार हम एनर्जेटिक रहते हैं. शाम हो या सुबह हो, कभी भी हम एज ए जिस टाइम हमारी आंखें खुलती है उसी टाइम हमारा सवेरा होता है. जैसे बोलते हैं ना कि आंख खुली तभी से सवेरा, तो वैसे ही जब हम एक जन को मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, क्योंकि हमारा दिन आपसे मिलने के बाद या कुछ नई चीजें समझने के बाद ही वहां से शुरू हो जाता है. इसलिए तो चलो आज शुरू करते हैं हम एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी. तो मैं शुरुआत पहले मेरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. Myself, Dr. Anand More, from my Paranda से belong करता हूँ. इस family से मैं एक साल से जुड़ चुका हूँ. पहले तो इस family से जो मेरे मैडम थे Dr. Rama More वो जुड़े थे. पहले मैं योगा करता था, जिम करता था, बाकी सभी कुछ ये करता था, लेकिन मेरा वजन जो 87 केजी था वो स्टक होके कहीं पे तो रुक गया था 82 पे. लेकिन जब मैडम यहाँ पे ज्वाइन हुए और दो बार उन्होंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने कम से कम 2 महीने में 12 किलो वजन कम करके ऊंचे इंचेस भी जबरदस्त लॉस किए. उसकी वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया या इसमें कुछ तो है. और जब मैं ये ज्वाइन किया तो मेरा जो वेट था वो 68 पे आया, अभी मैं 71 पे हूँ. तो मेरा मसल गेन भी बहुत जबरदस्त अच्छा हो गया. तो वी आर हियर कि हम सब एक जगह इसलिए आए हैं कि आवर पर्पज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर. जैसे हम बोलते ना कि भिन्ना सुद्या भाषा भिन्ना सुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे भारत आमचा देश, आणि आपलं एकच आहे की कुर्वंती विश्व स्वस्थ्यम. म्हणजे भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में कोटी कोटी जनता की जय हो. तो मैं पहले ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो भी आपका हेल्थ गोल, वेल्थ गोल, जो भी कुछ गोल लेके हैप्पीनेस वगैरह बाकी यहाँ पे आए हैं तो आपका वो सफल हो जाए. यही मैं भगवान के चरण प्रार्थना करके मैं अगला ये करूंगा. तो देखिए मैं हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि पूरे कोविड हॉस्पिटल भी था, 40 बेड. अभी मैं आपको वैल्यू डिलीवरी कर रहा हूँ तो हमारे मैडम नीचे पेशेंट देख रही है. तो इतना ही, ये अभी हमने नया ही स्टार्ट किया है मोरे स्टेफिस्ट एंड न्यूट्रिशन सेंटर, जैसे कि जिसके वजह से हम लोगों की ज्यादा ज्यादा हेल्प कर सके और ज्यादा ज्यादा लोगों को मदद कर सके. ऐसे हमने इनविटेशन कार्ड भी छापे हैं, ऐसे हमने पॉम्पलेट भी छापे हैं. यही हम जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है उसके पीछे भी यही किया है कि ज्यादा ज्यादा लोगों के ऊपर बम्बार्डिंग करें और टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी के लिए हम थोड़ा बहुत तो योगदान दे सके. इसलिए कि हमारे आजूबाजू खुद का, हमारा परिवार, हमारा मित्र परिवार और समाज अगर सबने फिट एंड फाइन रखेंगे तो ये जल्दी ही हम ये करेंगे. ये हमारे मेंटर्स है मिस्टर हर्षद राहलकर सर और बागेश्वरी मैडम की, जिनकी वजह से हम इस फोरम पे ये वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं. ये हमारे सीनियर मेंटर्स है कि जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से गाइड करके यहाँ तक पहुंचाया है. ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है जोड़ी का, इस तरह से ये पूरा परिवार का भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है. हमारे माता पिता भी इसमें है. तो मेरा मैडम का वजन सबसे अभी 15 किलो, मेरा 17 किलो, बच्चों का ये सब मिलके एक 40-42 किलो हमारे फैमिली का वजन कम हो चुका है. तो उतना बोझ इस पृथ्वी का हमने हल्का किया है. ये भी थोड़ा सा और हम फिट एंड फाइन जी रहे हैं. जो मेरा बच्चा छोटा और बड़ा, और बड़ा बेटा छोटा दिखता था, हालांकि हम एक ही बर्तन में खाना खाते थे. लोग हमको बोलते थे कि आप खाते पीते घर के दिख रहे लेकिन थोड़ा लड़कों की तरफ ध्यान दो. तो वैसे ही यहाँ इस फैमिली पे आने के बाद सभी अच्छा हो गया और ये स्किन में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ गया था. नहीं तो जैसे 45 अभी चल रहा है तो
तो उसमें पूरा स्किन खराब हो जाता है, धब्बे आ जाते हैं, अलग अलग ये हो जाता है। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले मैं चिंगम खा के जैसे थूकते वैसे ही मेरी अवस्था थी, जैसे हाथ पाई दिस्ती काड़ा पोटे भाषे जैसा नगर, ऐसी मेरी अवस्था थी। लेकिन ये चिंगम से लेके सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी फोरम के माध्यम से जो मेरे सीनियर वेलनेस कोच और मेरे साथ जो भी इस फोरम पे है उनकी वजह से मेरा हो गया है। क्योंकि एक साथ जब हम करते हैं कुछ चीज तो हम अपने फोरम की तरफ पहुंचते हैं। देखिए कि बिफोर यहाँ ज्वाइन होने से पहले मैं लो स्टेमिना, नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसी अवस्था थी। आफ्टर अभी मैं हाई स्टेमिना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसी के ये सब। तो ये हमने कुछ किताबें भी लिखी है कि जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने हमें आशीर्वाद दिया है। और ये हमारा फिटनेस इतना जबरदस्त हो गया यहाँ पे आने के बाद कि मैं पूरे इंडिया में जैकलिन फास्टेस्ट चैलेंज ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था, जिससे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो मिलिंद सोमन जी ने मुझे विशेष अवार्ड दे के हम एक दिन एक साथ गुजारे थे कि जिसकी वजह से हमका ये, तो ये रिजल्ट अपना खुद का है। जो खुद जितना डिवोशन देता है, जितना कष्ट करता है, जितना आइडियल इसके ऊपर जाता है, वही ये पा सकता है। तो देखिए, तो आज को आपने सभी ने अटेंटिव बैठना है, डायरी पे लीजिए किस बंदे को कौन सा सेंटेंस अच्छा लगेगा और जिसका उसका पूरा दिमाग पे एक प्रकाश पड़ेगा और पूरा लाइफ ही चेंज हो सकता है। तो ये सभी है। तरी मैं बोलूंगा कि जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि तरी अवधान ऐसे दीजिए मगर सर्व सुखाशी पात्र होइजे, ये प्रतिज्ञा उत्तर माझे उगड़ आएगा। तो मैं फर्स्ट सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट न्यूट्रिशनल कंपनी, कि जो जागतिक के वर्ल्ड्स नंबर वन बेस्ट जो न्यूट्रिशन कंपनी है, जो काळाची गरज है, वैसे कंपनी के आप एक पार्ट हो, अमंग द मोस्ट पेइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसमें ये कंपनी ज्यादा ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमारे कोचेस को और सुपरवाइजर को देती है, कि ये एक कंपनी ऐसी है कि वापस 73% देती है। देखिए अलग अलग इससे, ये तो आपको पता है, ये हम बिजनेस प्लान में देखते हैं। तो ये सभी 96 कंट्रीज में होता है। तो हम जब अपना काम यहाँ पे करते हैं, हर एक तालुके में, हर एक गांव में, हर एक अपने जिले में, तो यहाँ पे काम करते करते हम ग्लोबली से अटैच कैसे हो जाए, कि पूरे दुनिया में हम कैसे अटैच होते, ये प्लेटफॉर्म से हम पूरी दुनिया को दुनिया में अटैच हो सकते हैं और अटैच हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये न्यूट्रिशनल क्लब है हमारा, और जो वेलनेस क्लब जो अपना है, तो वैसे इसमें ही ये व्हाट टू डू नीड, जो वेलनेस वेलनेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम्स फ्रॉम ये न्यूट्रिशन से आता है, ये हमें तो पता है। तो देखिए क्या, अभी एक तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, ये बेसिक जो क्वेश्चन है, तो इसका मैं ये कहना चाहूंगा, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, हमारे हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब न्यूट्रिशन है। जैसे हमारा ग्रोथ, यहाँ पे जो आज का जो सेशन है हमारा, कि हमारे माइंड के लिए एक, जैसे बोलते हैं ना कि खाद्य जो हमारा शरीर के लिए रहता है, हमारा शेक, तो जो आज का टॉपिक है वो हमारे ब्रेन का खाद्य है, जिसकी वजह से हमारी खुद की ग्रोथ होने वाली है, जो हमारा दृष्टिकोण एक बड़ा बनने वाला है, ये भी एक लेक्चर हमारे ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन है। और अभी वेलनेस पे काम करते हैं, तो व्हाट इज वेलनेस, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट एंड एक्टिंग अपॉन बिहेवियर्स दैट आर लाइकली टू रिजल्ट इन ऑप्टिमल हेल्थ, ऐसे कौन से ही बिहेवियर है और जो अपना स्वभाव बन जाता है, कि जो अपनी लाइफस्टाइल है, कि जो सिडेंटरी छोड़ के हम अपनी एक्टिव एंड नेचुरल न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, कि जो हमें ऑप्टिमल ज्यादा ज्यादा हेल्थ दे, दीर्घ सुखी संपन्न ऐसा जो हम लाइफ बोलते हैं जिससे मिलती है वही। जैसे हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फर्मिटी, ना कि रोगों का अभाव। तो हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वेलबींग हम खुद लेते हैं और लोगों को भी देते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि हेल्थ एंड वेल्थ वेलनेस जो है, हम हैप्पीनेस, स्लीप, डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, ये हमारे सीनियर मेंटर्स हमें इसके ऊपर एक विशेष ये लेके बताते हैं। तो गाइज देखिए कि हम टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इसके लिए पे हम वर्कआउट करते हैं। तो आवर मिशन जो भी है, तो ये मिशन पे जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की आप समझाते हैं। तो हम वेलनेस कोच है, तो वेलनेस कोच सभी से पता है कि बिल्डिंग कंज्यूमर बेस या बाकी का सब रहता है, क्लाइंट्स क्लाइंट्स ये सब, और बाकी लोगों को न्यूट्रिशन देना, उनका हेल्थ गोल अचीव करना, किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम करते रहेंगे कौन से भी, तो उसका बेस जो होता है वो आरोग्य होता है।
हमारी संस्कृति बोलती है ना कि धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्य मनोत्तम, यानी सभी चीजों का ये आरोग्य है। इसकी वजह से आदमी ने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट चीज जो हमें मिलती है, हम अपना हेल्थ, अपने परिवार का हेल्थ मिलता है। फिर बाद में यहाँ पे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी हो जाती है, तो अपने अपने व्यवसाय में भी हम टॉप कर देते हैं। तो वैसे ही और अपनी पर्सनैलिटी देखने के बाद ही हमें ये वेलनेस कोच एक जवाबदारी है। जैसे पूरे जो पहले गुरु शिष्य परंपरा थी, तो वैसे ही यहाँ पे वेलनेस कोच जो एक जवाबदार व्यक्तिमत्व है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि यार हम ये ज्वाइन करने के बाद ये हम डब्बे बेचते हैं क्या, ये डब्बे बेचने का प्रोग्राम है क्या? जी नहीं। देखिए कि हर्बालाइफ नॉट ट्रेडिशनल सेलिंग, नो सेल्स मैन या बेचना, जैसे बोलते हैं ना कि वी आर अ वेलनेस कोच। वेलनेस को सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक डॉक्टर्स कैन ही सेल मेडिसिन इट इज इट्स नीड। ये देखिए कि अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या मेडिसिन बेचने के लिए बैठा हूँ क्या? जी नहीं। लोगों की जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो लेके मेरे पास आते हैं, मैं उनको वो प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो लेके जाते हैं, और मैं बाद में उनका कॉन्टेक्ट भी नहीं करता। कभी किसी डॉक्टर ने किसी को फोन करके पूछा है क्या कि अब आपका कैसा चल रहा है, क्या नहीं हो रहा बाकी? लेकिन इससे भी बढ़कर कि डॉक्टर से ही बढ़कर वेलनेस कोच का काम रहता है कि वो भी डॉक्टर के जैसे ही वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। क्योंकि अभी जो है लोग वो आफ्टर कोविड या अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे आ रहे हैं कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर, टीबी, थायराइड, स्किन के प्रॉब्लम, ज्वाइंट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आते हैं, तो उनको कहीं पर भी एलोपैथी मेडिसिन में उपचार नहीं है। खाली दवा दो ठीक हो जाओ, एक गोली खाए तो दिन भर खाली बीपी कंट्रोल, जिंदगी भर उसको गोली खाना पड़ता है। तो ये लोग तंग आ गए कि ये बीमारी नहीं होना, जिनको हो चुका है उनको कैसे रिवर्स में लाके अच्छी लाइफ जीना, यही सब लोग ये है। तो अभी ट्रेंड आ गया है फिटनेस का, ये फिटनेस एरा हो चुका है। तो अभी मैं बोलूंगा कि यही राइट टाइम, राइट मोमेंट और राइट फोरम पे आप हम सब ज्वाइन होके हम लोगों की सेवा में जुड़ चुके हैं। तो वैसे ही हम एक डॉक्टर, जैसे कि बोला है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि कम से कम 30,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है, तो वो भी बहुत कम रेशियो है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए। तो अगर हम वेलनेस कोच की तरफ देखेंगे ना, तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का किसका, तो 1,00,000 आदमी के पीछे एक भी वेलनेस कोच नहीं है। तो इसलिए ये नीड है कि समाज की वेलनेस कोच चाहिए। और हमारा काम करते करते हम ये सब अगर करेंगे तो अपना खुद का और सभी का भी हम ये कर सकते हैं। तो देखिए कि अगर सेलिंग अगर ऐसा बोलते हैं, तो इसमें क्या है, किन्हीं दो लोगों को विक्रेता के बीच जो उत्साह में लेन देन बेचना कहते हैं। अभी कैसा है कि हम चीज ही नहीं तो विचार भी बेचते हैं। मैं कहाँ पे अभी उपजिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे नौकरी करता हूँ, तो मेरा वहां पे स्किन मैं बेचता हूँ, स्किन मेरा बेचता हूँ वहां पे, जब भी मुझे पैसे मिलते हैं। कौन से भी इसमें आप सेवा देते हो तो यही है कि अलग कुछ यहाँ पे नहीं है। तो अभी देखेंगे कि देन वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, जैसे कि वेरी बिग टू प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। अभी क्या सबसे बड़े प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड में, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम और दूसरा है वेल्थ प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इस एरा में है। कि आपने देखा है कि कोविड में कैसे बड़े बड़े राष्ट्र के जो मेन ये थे, राष्ट्रपति होंगे, पंतप्रधान थे, वो आंखों से पानी ढह रहे थे कि अभी हमें भगवान ही बचा सकता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, हतबल हो गए थे। तो ऐसे समय में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद ने सब ने ली, तो हम खुद अपना परिवार और समाज और पर्यायने देश भी हमें फिट एंड फाइन बना सकते हैं। क्यों? तो ये आरोग्यपूर्ण समाज ही खरे देश का भांडवल रहता है, क्योंकि वही आरोग्यपूर्ण समाज ही साहित्य, संगीत, क्रीड़ा, कला, ये सभी क्षेत्रों में उठाता है, ऊपर समाज को उन्नत बनाता है, जिसकी वजह से हम जागतिक महासत्ता जल्दी से बन जाते हैं। तो हेल्थ इज अ बेसिक, और बाद में जो है अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखते हैं कि लोक संख्या बढ़ी हुई है, और जो भी कोई देखता है कि इतना ही नहीं कि जैसे कंत्राटी कर्मचारी यानी इस स्वतंत्र देश के गुलाम, ऐसे बोल के हम झगड़ते हैं कि जिसको भी ये मिलता है जॉब, वो भी बहुत तुटपुंजी उसकी सैलरी रहती है। एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक इस एरा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हमारे इस फोरम से हम लोगों को कर सकते हैं, यानी अच्छी हेल्थ, अच्छा हैप्पीनेस और वेल्थ, ये सभी चीजों के दाता बोल के हम आनंददूत, देवदूत, आरोग्य दूत बोल के हम एक अच्छी तरह से समाज में काम कर सकते हैं। तो वी ऑल आर एट द राइट टाइम विथ राइट अपॉर्चुनिटी विथ राइट कंपनी, यही सबसे बड़ी मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यस। तो नेक्स्ट, सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम, यही हमारा ये है। तो देखिए कि आवर जॉब इज नॉट टू सेल द प्रोडक्ट, तो क्या है, अवर जॉब इज टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशंस इन द मार्केट।
ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कौन सी भी, इसमें हेल्थ में लाइए, वेल्थ में लाइए, सभी वेलनेस कोचेस सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम लाइक डॉक्टर कैन ही सेल, वो हम ये करते हैं, बरोबर है। तो ट्रांसफॉर्म, हम वी आर द ट्रांसफॉर्मेटर, जैसे बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हम लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उनके विचारों में परिवर्तन लाते हैं, शारीरिक मानसिक उसके दृष्टि उसको सक्षम बनाते हैं कि वैसे ये ट्रांसफार्मर है हम, इसलिए हम एक हमें क्या बोलते हैं कि प्राउड फील होना चाहिए कि लोग, इसके लिए हमें अपना खुद का इतना जबरदस्त गोल बनाना पड़ता है कि लोग खुद हमसे आके पूछे कि ये क्या चल रहा है और हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए। इसी तरह से तो एज ए वेलनेस कोच आई कस्टमाइज न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, प्रोवाइड ग्रेट न्यूट्रिशनल गाइडेंस एंड अ वंडरफुल सपोर्ट स्ट्रक्चर टू हेल्प यू अचीव योर हेल्थ गोल्स, लुक अवेसम एंड फील ग्रेट, कॉन्टेक्ट मी, फ्री वेलनेस प्रोफाइल। अगर हम देखते हैं क्यों बा वेलनेस कोच कौन बन सकता है, ये एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि पहले संत लोग क्या करते थे कि खुद के आचरण से ही समाज विकृति का निवारण करते थे। कि एक तुकाराम महाराज के पास एक लड़का, एक माताजी ने उसके बच्चे को लाया और बोला कि ये गुड़ ज्यादा खाता है, तो उसको आप बोले कि उसको छोड़ दे, तो अपने संत बोलते कि आप नेक्स्ट वीक में आ जाओ, मैं आपको बोलूंगा, उसको बोल दूंगा। तो नेक्स्ट वीक में जाते, फिर वो संत बोलते कि बेटा तू गुड़ खाना छोड़ दे, या अच्छा नहीं रहता, ज्यादा मीठा रहे तो कृमि हो जाएंगे, आपके शरीर को तकलीफ होगी, ऐसा ऐसा। फिर उसकी माताजी ने बोला कि यही बात आप पिछले हफ्ते में भी कह सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं बोला। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जब मैं भी गुड़ खाता था, फिर मैंने खुद छोड़ दिया, फिर बाद में मैं दूसरों को बोलूंगा। तो वैसे खुद में जब ट्रांसफॉर्मेशन लाते हम कि खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करना, यही संतों का काम है, वैसे ही वेलनेस कोच जिसको खुद में ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त लाना पड़ता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी कुछ है वो सब कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी जवाबदारी आपकी है, लेकिन अभी सब छोड़ के हम वेलनेस पे ही ज्यादा क्यों ध्यान दें। तो देखिये, 3 ग्लोबल मेरा ट्रेंड्स मैंने दिखाया आपको कि ओवरवेट अंडरवेट, आपकी आईसाइट ऐसी होनी चाहिए कि दो चीजें आपको दिखना चाहिए, ओवरवेट है कि अंडरवेट है, ये देखने के बाद। एजिंग पॉपुलेशन यानी ज्यादा ज्यादा ये जो बोलते हैं ना आपकी क्रांति हो चुकी है इस मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ज्यादा ज्यादा लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन कैसा कि कम उम्र में भी ज्यादा ये खान पान जो बोलते हैं ना हम, क्या आपको पता है कि रासायनिक खतों का यूज करने के बाद स्टोरिंग ग्रोइंग कैसा होता है, लोक संख्या बढ़ने की वजह से भेसड़ कैसा होता है, वो खाने की वजह से ज्यादा एजिंग प्रोसेस होने लगती है। तो उसके ऊपर सोल्यूशन लोगों को नहीं है ज्यादा करके, अंडरवेट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने देखा है। तो इसका सोल्यूशन हम खुद है, ये देखिए कि व्हाट इज वेलनेस। अभी वर्ल्ड वेलनेस तो हमने देखा है, वेलनेस इज द अपोजिट ऑफ इलनेस। इलनेस के इट इज अ फीलिंग ऑफ टोटल वेलबींग, इट इन्वॉल्व चूजिंग टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रोटेक्ट यूर हेल्थ, यही। तो एज ए वेलनेस कोच वी ऑफर सोल्यूशन टू, हम लोगों को क्या सोल्यूशन देते हैं, हम एज ए वेलनेस कोच क्या जवाबदारी लेते हैं हम, ये तो लूज वेट एंड गेन, ये तो पता है, गेन वेट एंड बिल्ड मसल्स लोगों को, प्रोवाइड बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी ब्रेकफास्ट लोगों के लिए, फील एनर्जेटिक एंड रिमेन एक्टिव फुल डेज, स्लीप बेटर इन नाइट, किसी को प्रॉब्लम रहता है, आज देखिए बहुत सारे कमाते हैं लेकिन रात को अच्छी तरह उनको नींद भी नहीं आती, इंप्रूव योर स्किन एंड लुक योर यंगर, इसके लिए आपने यहाँ पे स्किन चैलेंजेस पार्टिसिपेट होते हैं, इंप्रूव योर डाइजेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ये, और इंप्रूव योर बोन्स, हेल्दी हार्ट एंड ज्वाइंट्स, न्यूट्रिशन, प्रोटीन ब्रेकफास्ट फॉर चिल्ड्रंस। तो ये सभी के ऊपर एलोपैथी जो बोलते हैं ना कि अभी हम जो डॉक्टर लोग हैं इंजेक्शन दवा तो नहीं दे सकते, ना ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए कोई सलाइन रहता है, इसके लिए खुद को एक सुबह में 1 घंटा खुद में व्यायाम करना चाहिए, अच्छा जो न्यूट्रिशन अपना है, जो अच्छा वहां का सप्लीमेंट है वो लेंगे, तो हम फिट एंड फाइन बनके ये सभी चीजों के ऊपर हम ये करते हैं। ये सभी चीजों के ऊपर प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, एक बार संधिवात हुआ, ज्वाइंट पेन हो रहे तो जब तक टैबलेट खाएंगे तब तक अच्छा, लेकिन उसी टैबलेट से एसिडिटी बढ़ेगी, डाइजेस्टिव के डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, शुगर के बीपी के गोलियां खाते रहते हैं उसके वजह से भी उसका कॉम्प्लिकेशन अलग चालू हो जाता है। तो लोग यहाँ पे अभी बहुत ये हो चुके कि उनको समझ में आया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इन लोगों को समझ में आया। तो उसी नजरिए से हमें देखते हैं और वही शुद्ध सुजान नागरिक होते हैं कि जो बीमार पड़ने के बाद तो हर कोई डॉक्टर के पास जाता, लेकिन ना बीमार पड़े बोल के जो भी खुद के बारे में सोचता है और परिवार और समाज के बारे में सोचता है, वही सबसे बढ़िया और वही अपनी संस्कृति सिखाती है। हाउ टू बी अ वर्ल्ड क्लास वेलनेस कोच, अभी देखिए वेलनेस कोच अगर हमें बनना है तो वर्ल्ड क्लास वेलनेस कोच के क्या गुण है, लिसन ट्वाइस एज मच एज यू स्पीक। जब हमारे पास जब क्लाइंट आता है, जो भी कुछ हमारा फैमिली मेंबर आता है,
तो उसके प्रॉब्लम को हमें उसके ऊपर बम्बार्डिंग धार 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 नहीं करना है। तो क्या कहना चाहता है, उसको क्या हेल्थ गोल है पहले, या उसका कौन सा गोल है वो पहले सुनना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा उसको पुशअप करके थोड़ा हम ये करना चाहिए कि क्योंकि हमें तो पता है कि एक ही जबान दी है और दो कान दिए, दो आंख दिए है, तो ज्यादा ज्यादा अच्छा देखिए, ज्यादा ज्यादा सुनिए, फिर बाद में हम बोलना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो आदमी जो है अपना, हर कोई अपना कुछ दर्द बांटने की कोशिश करता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। घर में बीवी हस्बैंड का सुनते नहीं, हस्बैंड बीवी का सुनते नहीं, बच्चों का तो कोई सुनता नहीं है। तो ये सभी है, कहीं पे तो मन मुखड़ा करना चाहते हैं, तो वो मन मुखड़ा करने का साधन हम वेलनेस कोच बन सकते हैं। रीड 30 मिनट्स ईच डे, यानी कौन सा किताब हमें थोड़ा सा एक पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हम अपने फोन पे जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो लगाते हैं, तो उसी से ही हमें एक जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। तो हर बार आप जब पढ़ते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नया नॉलेज हमें मिलता है, और उसी नॉलेज से हमारा थोड़ा 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 बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे हमारा बूंद बूंद से ही 1 महीने के बाद खुद जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने में या दिखता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद में जल्दी से नहीं दिखता, वो अपने दोस्त लोगों को पहले दिखता है, फिर बाद में वो बोलता है कि आप सुरवंटा से फुल पाखरू किस तरह से हो रहे हैं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, अलग अलग एंगल से वो सब लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, और उसी को अट्रैक्ट होके आपके पास वो आने वाले हैं, ना कि उनके पीछे भाग के उनको पकड़ना है। तो उनको धीरे से उसको सहलाना है कि वो खुद आके आपको मिले। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, तो जैसे बोलते हैं ना, यल 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 लाइफ लॉन्ग लर्नर। हर किसी ने अपना वेलनेस कोच जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर रहता है। किसी बंदा क्या कब बोलेगा और कब हमें ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा, ये वो करता है कि लर्निंग मोड पे वो ज्यादा करके रहता है। तो स्टूडेंट डोंट फेक इट, लर्न इट। जो भी कुछ है हमें सीखना है हर किसी बंदे से। केयर मोर देन अदर थे थिंक इज वाइज, यानी दूसरों से ज्यादा हमें केयर करना है, वाइजली उसे देखना है, कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी हमारे कम्युनिकेशन है वो क्लियरली प्रामाणिक ऑनेस्टी ऐसे रहना चाहिए कि जो भी हम कुछ बात कर रहे हैं तो उसके हेल्थ के लिए, उसके अच्छाई के लिए, उसके परिवार के अच्छाई के लिए, और उसके फ्यूचर ब्राइट होने के लिए ही हम कह रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस उसको मिलना चाहिए, ना कि हमारे बात करने में ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि नहीं बाबा इसका कुछ तो स्वार्थ है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें काम भी नहीं करना चाहिए। यस, क्योंकि वो जो रिलेशन है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। एम्बॉडी द वेलनेस लाइफस्टाइल, तो सभी को वेलनेस लाइफस्टाइल क्या है वो सिखाना है, खुद आचरण करना है। सराउंडेड योरसेल्फ विद हाई अचीवर्स, हमें हम बोलते हैं ना कि हम कितने बड़े हो सकते हैं, हम कितने बड़े हैं, अगर ये देखने का है तो हम कौन से 5 लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, जमता है, तो उसी लेवल में हम आगे हमारा फ्यूचर हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से ये करना है। अभी देखिए कि रिटेल और जो बिल्डर जो हम ये करते हैं सब, बेनिफिट ऑफ रिटेलिंग एंड बिल्डिंग कस्टमर्स, ये हम ज्यादा ज्यादा लोग क्यों जोड़ना चाहिए, तो ये जनरेट क्या करते हैं कि लीड जनरेट होने के बाद जनरेट इंस्टेंट कैश इनकम जो रहता है 25 से 50% हमें मिलता है। आपको तो पता है कि जब सुपरवाइजर जाने तक जो भी हम पहले ना एसोसिएट रहते हैं, फिर बाद में कंसल्टेंट बन जाते हैं, फिर बाद में प्रोड्यूसर, उससे पहले बिल्डर, जो है लास्ट में सुपरवाइजर। तो ये इसमें कि हम 15% से लेके 50% तक जब हमारा प्रवास रहता है, तो जितना हमें मिलता है उससे हम लोगों को जब बेचते हैं तो हमें उतना प्रॉफिट मिलता है। हेल्प हेल्प फ्रेंड एंड फैमिली टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड अचीव देयर फिटनेस गोल। इसके लिए हमें ये करना पड़ता है, अर्न इक्वल टू योर फुल टाइम इनकम वर्किंग पार्ट टाइम, बी योर ओन बॉस। अगर इसमें हम काम करेंगे तो हम जो भी अपना अपना काम कर रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग, और बाकी के जब हम टीवी देखते हैं, बाकी के दोस्तों के साथ गप्पा गोष्टी करते बैठते हैं, बाकी टाइम इधर उधर हम गलाते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ तो रील्स देखते हैं, कुछ तो यूट्यूब में अलग देखते हैं, तो उससे पहले कि हमें अपने खुद में इंप्रूवमेंट लाते लाते हम इस सोशल मीडिया का यूज हमारे खुद के लिए और लोगों की हेल्थ के लिए कैसा करना है उसके ऊपर वही टाइम हम उसमें देंगे, तो एक जबरदस्त हमारा खुद का फ्यूचर डेवलप हो सकता है। लाइव डेब फ्री लाइफ एंजॉय कैश पावर बाय जनरेटिंग प्रोडक्ट लवर्स, यस अचीव योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये भी हम फाइनेंशियल गोल्स भी ये कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे लोगों को हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो स्टोरीज टेस्टिमोनी जो रहते हैं हम बता के उनको हम अपने इसमें कर सकते हैं।
ज्यादा ज्यादा उनको पिक्चर दिखाने, कभी कभी हम बोलते कि इतना सारा ये हो चुका है बहुत, हम बोलते हैं, लेकिन अपने मोबाइल में जब बहुत सारे लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनके अगर फोटो रख के उनको दिखाई दे तो वन पिक्चर इज मोर पावरफुल देन 1000 वर्ड्स। देखिए कि एक पिक्चर जो रहता है वो 1000 बातें करने से ज्यादा ये रहता है, इसलिए हमें डिस्प्ले बोर्ड पे भी बिफोर आफ्टर के फोटो हमने लगाए हैं। तो वैसे ही मैं ज्यादा करके ये स्लाइड पे क्यों बोलता हूँ, तो जब आप देखते हो तो कान से सुनते भी और देखने से आंख से भी, इसलिए ज्यादा ज्यादा ग्राफ कर पाता है और मुझे भी कौन से पॉइंट अगर भूल भी गया तो यहाँ पे याद आता है। हेल्थ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बॉडी। यू यानी ये बॉडी जो है, तो हमारे शरीर को एक वाहन दिया है इस निसर्ग ने, मैं जो हूँ अंदर का जो अमर शाश्वत और सर्वशक्तिमान ऐसा आत्मा हूँ। तो देखिए कि जैसे पूर्वी के जो संत महात्मे थे तो लोगों को उसके उसको स्वस्वरूप की जानकारी करके देते थे, फिर वो बोलता था कि अहम ब्रह्मास्मि, फिर बाद में उसको समझ में आता था कि खल्विदम ब्रह्म, यानी ये जो जीव सृष्टि प्राणी सृष्टि जो भी सब है वो मेरे जैसे उसी परमात्मा के अंश है, यानी वही मेरे सब भाई बांधव है। फिर बाद में वो उनसे ऐसे बर्ताव करने लगता है कि जैसे वो उससे आत्मकल्याण और विश्व कल्याणी बन जाता है। तो वैसे ये अंदर का हम ये और ये बॉडी ये दोनों के जो जो बीच में का रिलेशन है वही हमारा एक हेल्दी रिलेशन रहता है। तो जब हम लोगों को बोलना शुरू करते हैं तो उससे पहले लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे बोलते ना कि हम शोरूम रहते हैं कौन सी चीज बेचने से पहले, शोरूम अगर अच्छा रहा तो अंदर लोग पैर ही डालते हैं। बोलते हैं कि जब हम किसी को बोलते हैं तो पहले हम बेचे जाते हैं, 95% जो है वो हम बेचे जाते हैं, बचा वाला हमारा 5% जो हम बोलते हैं जो हमारा प्रोडक्ट का है वो काम कर जाता है। तो यूज द प्रोडक्ट फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, यस। तो यूज हर्बलाइफ प्रोडक्ट टू लूज गेन वेट वगैरह बाकी प्रिवेंट फ्यूचर डिसीजेस, यानी अभी का ही हेल्थ नहीं है गोल कि आज मैं 87 से 70 पे आ चुका हूँ, अगर फिटनेस था, अगर मैं यहाँ पे उल्टा मेरा प्रवास नहीं होता था, समझो 87 से मेरा 95 हो जाता था तो आज मुझे शुगर बीपी डायबिटीज फंगल इन्फेक्शन बाकी लो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक ये भी कुछ शायद स्ट्रोक वगैरह बाकी हो सकता था। तो यही मेरा जबरदस्त कमाई इस फोरम पे आने के बाद मैं ये कहूंगा। और दूसरा बी कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे होता है कि जब मुझे कहीं डिप्रेशन आता है बाकी ये हो जाता है तो समझो मैं ब्रेन हेल्थ लेता हूँ, अच्छा न्यूट्रिशन लेता हूँ तो भी मैं उससे बाहर पड़ता हूँ। देखिए और मेक योर बिफोर एंड आफ्टर, ये अपना बिफोर और आफ्टर ज्यादा ज्यादा स्टेटस को रख सकते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप सब लोग जबरदस्त करते हैं। पीपल बाय लुकिंग एट योर रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट देखने के बाद ही हम लोगों को अच्छा बोल सकते हैं और वो कन्विंस होते हैं, ऑब्जेक्टिंग हैंडलिंग बिकम्स इजी, और फिर बाद में जो भी क्वेश्चन की ये है वो कर सकते हैं। डिफरेंट वेज टू फाइंड पीपल हु नीड आवर प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके कैसे हम लोगों को जिनको प्रोडक्ट लगता है, जैसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल वी नो, हमारे मोबाइल में जितने सारे कॉन्टेक्ट्स है, फेसबुक फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम पे जितने सारे हमारे दोस्त लोग हैं, तो ये सभी जो है वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, तो उनको हमें पता रहता है कि उसको खुद को उसके फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम रहता है, तो वो सभी को पकड़ के उन लोगों को वो प्रमोट करना है कि आपको ये कर सकता है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा तो भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम रहा उसके घर वालों को किसी को क्या है, जिसका बच्चा है उसका वजन नहीं बढ़ रहा तो भी उसको ये दिखा सकते हैं और उनको ये कर सकते हैं। कैजुअल कॉन्टैक्ट कहीं से भी हमारा कॉन्टैक्ट हो सकता है, और हम जो यूज जो बटन बोलते हैं उससे हमें लीड्स मिलते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पेपर्स इंसर्ट फ्लायर्स हर महीने में डालते जाओ, ज्यादा सोचो न को, क्योंकि ये जब करते हैं वो रिपिंग है, कि जब फार्मर क्या करता है कि बीज बोता है और उसका आज ना कल फल उसका मिलता है, कि जैसे नेचर लॉ स्वयं हुए कि जो आप बोते हैं वही पाते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम थोड़ा सा लगता है। ऑनलाइन एक्टिविटीज लाइक वेबसाइट ईमेल्स, बाकी हम जब मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज लेते हैं हैप्पी टू हेल्प रहता है, अलग अलग टेस्टिमोनीज हम शेयर करते हैं तो उनकी छोटे से वीडियो बना के हम अपने ग्रुप पे बाकी अपने फोरम पे डाल सकते हैं, इतर अपने दोस्त लोगों के ग्रुप पे डाल सकते हैं, वो देखने के बाद हमें और लीड्स मिल जाता है। देखिए कि वन सेटिस्फाइड कस्टमर इज वर्थ मोर देन 1 लाख रुपीज एडवर्टाइजमेंट। एक लोग को अगर एक किसी को अपने अच्छा उसका ट्रांसफॉर्मेशन आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन बना के उसको समाज में छोड़ दिया तो आपने 1 लाख रुपए डाल के किसी टीवी पे भी ऐड दिया तो जितने लोग नहीं आएंगे ना वो ट्रांसफॉर्मेशन देख के वो अपने पास लोग आने वाले। इसलिए खाली हम एक ट्रांसफॉर्मर बन के लोगों का उनका हेल्थ गोल अचीव करके उनको समाज में छोड़ दो, वही हमारी पब्लिसिटी करेगा और बहुत सारे लीड्स हमें वहां से मिल जाते हैं। तो देखिए कि लिस्ट ऑफ पीपल्स वी नो हु वांट्स टू
जी किसको वेट गेन का प्रॉब्लम है, किसको जो भी समझो अभी महिलाएं हैं, बाकी के जो पुरुष लोग हैं कि जिनको टाइम नहीं रहता उठने के बाद उनका भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा उनकी दिन शुरू होती है, तो किसको लगता है कि वो गैस लगाओ, कांदा लहसुन बाकी जो भी कुछ है अपना मिर्ची वगैरह कट करो, तेल डालो उसमें, एक ज्यादा एक आधा घंटा पौन घंटा उसमें टाइम दे दो और खाने में ये सब, तो ये घंटा जो मॉर्निंग का उनका बच सकता है और अच्छा मील रिप्लेसमेंट के साथ, कि खाली उन्होंने गर्म पानी डाल दिया, वो थोड़ा सा व्यायाम कर दिया, बाकी वो नहाते, मैं तो शेक नहा ज्यादा करके नहाते नहाते रहता हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम नहीं रहता, नहाने को 10-15 मिनट जाता है, उसी में मेरा वो मैं बाजू में रखता हूँ, पीते पीते बाकी का ही मेरा काम चल रहता है। ये करते करते एक आधा मेरा मोटिवेशनल वीडियो भी चालू रहता है, वो भी मैं सुनता हूँ, यानी तीन तीन चीजें एक टाइम में करता हूँ, कि सबको 24 आवर्स दिए, वो कैसे यूज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड रहता है। यस, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्दी ब्रेकफास्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन डेली डाइट, प्रोटीन मल्टीविटामिन वगैरह बाकी है तो आपको पता है, एनर्जी स्टैमिना किसको कम है, जो किनको क्या प्रॉब्लम है, ये भी सब हम देख सकते हैं। जैसे भी ये हमने सब देखा है कि स्ट्रेस फैक्टर किसको, वो वांट टू लिव मेडिसिन फ्री लाइफ, किनको मेडिसिन चालू है, किनको क्या प्रॉब्लम है, ये सब ढूंढ के उनकी एक लिस्ट बनाना चाहिए। फिर बाद में हर कोई इन्विटेशन जब देते हम तो हमें पता नहीं रहता कि हम क्या करना चाहिए, कैसा है कि मैं हर बार किसी से मैं हर बार सीखता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है कि यहाँ पे कि जो बोलता है कि जब मैं भी वो थोड़ा राजकारण में करता है मन से का, वो एक बड़ा अच्छा ये है, तो जब वो करता था तो वो बोलता था कि मैं किसी को फोन लगाने से पहले मैं सोचता हूँ कि वो शायद दोपहर 2 से 4 में सोया होता है क्या, फिर वो उसका मूड कब अच्छा रहता है, मॉर्निंग उसके साथ बहुत गर्दी रहती है क्या, अभी डॉक्टर मूड है तो उसको सुबह में 10 बजे से लेके 2 बजे तक उसको 1 बजे तक उसको भारी भीड़ रहती है 2 बजे तक, तो मैं 1 के 2 बीच में फोन करूँ या शाम में फिर 5 से 6 बजे में करूँ या आगे करूँ, तो ये सब थोड़ा सा थिंकिंग करके उसको अपने हिसाब से वो लेना है। फिर बाद में इन्विटेशन स्क्रिप्ट जब हम करते हैं, हेलो हाउ आर यू, जैसे बोलते हैं आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, तो उसको बोलना है यार क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आजकल, अरे मुझे बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्या बताऊं यार तुझे, फिर ऐसा बोलने के बाद एक्साइटमेंट से उसको बोल सकते हैं, तो बता तेरा फैमिली कैसा चल रहा है, क्या है, बाल बच्चे कैसे है, भाभी कैसे है, माता जी कैसे है, ये होने के बाद चल बोल तू कौन सा जॉब करता है अभी, तो कब तू कैसा तेरा शेड्यूल है, वो बोलता है मेरा सुबह से लेके सुबह मैं 10 बजे जाता हूँ तो शाम को 5 बजे वापस आता हूँ, दोपहर में 1 घंटा मुझे छुट्टी रहती है, फिर वो उसे बोलना है कि मॉर्निंग में क्या करता है तू, कुछ नहीं यार मैं 8 बजे उठता हूँ, फिर थोड़ा खाना पीना खाता हूँ, नाश्ता वगैरह करके फिर मैं चला जाता हूँ, शाम में 5-6 बजे आता हूँ तो टीवी सीरियल बाकी का ये वो मैं देखता हूँ, शाम में पिक्चर देखते देखते मैं सो जाता हूँ, तो उसको फिर वहां से उसको हमें पता चलता है कि उसको कहाँ पे ये करना है, कि जो तेरा टाइम वेस्ट जा रहा है सुबह का आधा घंटा दे, दोपहर में 10-15 मिनट दे, शाम में आधा घंटा दे, तो तेरा लाइफ एक चेंज हो जाएगा, खाली तेरा ही नहीं तेरे 3 पीढ़ी का जनरेशन का लाइफ तेरा चेंज हो सकता है। आयो फिर उसको बोलना है, कहा है कि मेरे में इतने चेंजेस जबरदस्त क्यों हुए, तो आयो रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग ऑफ वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इनटू न्यूट्रिशनल फिटनेस, क्योंकि अभी जो बोलते हैं ना कि काळाची गरज आहे कि ये फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि अभी भी अलग अलग कौन से तो फीवर आ रहे हैं, किसी के अंग पे ये बाकी का हो रहा है, तो और भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट दिख रहे हैं, तो इसलिए फिटनेस मेंटेन रखना ये एक काळाची गरज बनलेली आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांमध्ये अवेअरनेस निर्माण झाला आहे। एज अ वेलनेस कोच आई हेल्प पीपल टू लूज गेन वेट सेफली एंड नेचुरली एंड मेंटेन गुड हेल्थ लिविंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ, मैं लोगों को जो भी मेडिसिन फ्री लाइफ रखने में या प्रिवेंशन करने में उसको हेल्थ गोल अचीव करके देने में वेट लॉस वेट गेन के साथ जो भी आपके कुछ हेल्थ रिलेटेड या बाकी के प्रॉब्लम है वो मैं दूर करता हूँ। इफ यू आर और एनीवन होम यू नो वांट टू हाउ द प्लीज कांटेक्ट मी एंड आई विल इनवाइट टू आवर ऑनलाइन हेल्थ टॉक, you will get amazing information and improve health, you can also hear amazing testimonies people who got unbelievable results, to unko hum bol sakte ki aap hamare forum pe aa jaiye, hamare jo baki ke senior mentors hai baki ke hamare supportive community hai kitni zabardast hai aap dekh sakte ho unka testimony jo bhi hai aap suniye, fir aap result dekhne ke baad ya khud product use karne ke baad aap mein zabardast transformation aa sakta hai,
तो उनको कुछ भी करके हैप्पी टू हेल्प, और आपने फोरम पे लाना है वही इन्विटेशन स्क्रिप्ट में, उनको पहले हाय हेलो, फिर बाद में उनके बारे में पूछना है, फिर बाद में आपका कहाँ पे टाइम मिलता है, फिर बाद में मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो आप भी ये थोड़े से इसमें एक थोड़ा सा ये करके आप यहाँ पे खुद का फैमिली का हेल्थ गोल भी अचीव कर सकते हैं, हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो, और लगा तो आप उसमें एक वेल्थ भी अचीव कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा रिजल्ट भी शेयर करना है हमें, जैसे शेयर योर प्रोडक्ट रिजल्ट टू पीपल यू नो लाइक फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर्स, इंस्पायर देम टू स्टार्ट वन प्रोडक्ट। कि जैसे हम कहीं पर जाते हैं किसी फंक्शन में वगैरह बाकी, तो वहाँ पे कुछ हमारा प्रोडक्ट भी लेके जा सकते हैं, या कहीं पे अगर हम किसी को पार्टी देते हैं फ्रेश पार्टी वगैरह बाकी, तो हमारे दो चार कलीग्स हैं उनको भी बुला सकते हैं, फिर बाद में वो सबके सामने अपना रिजल्ट जब शेयर करते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इनवाइट फॉर ऑनलाइन फ्री वर्कआउट हेल्थ टॉक मास्टर क्लास ऑन वेलनेस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जब भी हमारा कुछ ऐसे क्लास रहते तो उनको इन्फॉर्मेशन करना है, उनको बुलाना है। प्लान वन टू वन रिटेल प्रेजेंटेशन थ्रू जूम टॉकिंग हेल्प टू योर स्पॉन्सर। कैसा है कि कोई अच्छी फैमिली ज्वाइन होती है तो उनको जूम कॉल पे लेके, फ्री में जूम कॉल 40 मिनट का मिलता है, उनको लेके बोलना है। जब बोलते टाइम अपने जो भी कुछ मेंटर्स है अपने स्पॉन्सर्स है उनको भी साथ में लेके उनको थोड़ा सा कन्विंस करना है उनके बारे में, शेयर योर बिफोर आफ्टर उनको बाकी का जो भी कुछ है अपने इसके ऊपर ये कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रमोट और अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग बैचेस ये भी हम अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, और फिर बाद में 21 जो चैलेंजेस है उसमें उन लोगों को बिठा सकते हैं, स्किन चैलेंज में ज्यादा ज्यादा करके उन लोगों को बिठा के उनका इम्पोर्टेंस बता के उनको ये सभी क्लासेस में उनको बिठा सकते हैं। तो ये होने के बाद कि जैसे ये बोलते ना कि जब हम एखादा हमारे पास आके कोई प्रोडक्ट ले जाता है खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो देखिए कि उसमें लिखा है कि पेनिस इज द सेल और फॉर्च्यून इज द फॉलो, यानी एक जब वो ले जाता है तो खाली वो 1% काम करता है, लेकिन जब हम अच्छा उसको फॉलोअप लेते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं तो जबरदस्त वेल्थ हमें लाइफ टर्म लाइफ लॉन्ग हमें टिक के रहता है। क्यों? कि बी ए कंसिस्टेंट अबाउट कीपिंग इट कॉन्टैक्ट। उसको आप व्हाट्सएप द्वारा मैसेज डालिए, कभी हो सका तो उसको फोन भी कर सकते हैं आप, और बाकी के उसको जो प्रोडक्ट लेके गया है उसके बारे में उसको ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, फोन पे नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप पे जब टाइम मिलेगा वो देख सकता है। और नेवर आस्क अ क्वेश्चन, कि उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है कि ये सब नो में, तो उसको ये पूछना है कि सुबह में चल शेक लिया है क्या, वो बोलेगा हाँ लिया है, चल कितने पानी में लिया है, कैसा लिया है, ये भी उसको हमें पूछना है कि बाबा कितने टाइम लेता है, 2 टाइम या 3 टाइम। अभी देखिए सुबह के मॉर्निंग फोरम में वो बोलते हैं कि हम डायनो शेक बाकी वेट गेन के लिए ले रहे हैं, लेकिन वेट गेन का रिजल्ट मुझे नहीं मिला, लेकिन जब सब सीनियर वेलनेस कोच ने उनको अच्छी तरह से पूछा तो बोल रहे कि नहीं वो एक ही टाइम लेता है, कभी लेता है कभी नहीं लेता, तो कैसा प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉपर वो फॉलो कर रहे क्या, डाइट बोले वो फॉलो कर रहे क्या, मॉर्निंग इवनिंग कॉल पे आ रहे क्या, व्यायाम कर रहे क्या, सभी चीजों को उनको अच्छी तरह के उसका इम्पोर्टेंस बता के उनको ये फॉलो करने का है। कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पैरामीटर्स, उनके जो भी कुछ पैरामीटर्स है वो सब लिख के हमें लेना है, फिर फॉलोअप में वो इम्पोर्टेंट पड़ते हैं। अगर कोई अच्छा रिजल्ट लाता है 1 किलो 2 किलो 5 किलो कम होता है तो उसको हमें रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन करना है खुद जाके, और अपने फोरम पे लाके भी उनको अच्छे तरीके से उनका बिफोर आफ्टर बना के हमें उनको प्रमोट करना है, उनका हेल्थ गोल के लिए उन्हें अचीव करना है। यस, तो ऑलवेज शो बेनिफिट, ज्यादा ज्यादा जो हमारे प्रेफर कस्टमर है तो उनको अपसेट में कन्वर्ट होने के बाद कैसे वो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको हम दिखा सकते हैं, वही प्रेफर कस्टमर टू उनको जैसे बोलते हैं ना सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर टू प्रेसिडेंट जाने का पूरा मार्ग जब हम बताते हैं तो हम ये सभी ये कर सकते हैं। तो रिमेम्बर दैट एवरी कस्टमर इज अ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, और केयर मोर अबाउट द कस्टमर रिजल्ट देन द मनी यू मेक फ्रॉम देम। तो वो पैसे की तरफ देखना नहीं है, पैसा तो अपने आप आने वाला है, वो पैसा या बाकी रिवॉर्ड या फेम ये अपने आप पीछे आने वाला है, खाली हमें उनका हेल्थ गोल की तरफ या उनका जो भी कुछ गोल है इसलिए उनको एजुकेट करके वहां पे ये करना है। तो यस, तो ये स्पॉन्सरशिप जब हम करते हैं किसी का भी तो पेरेंटरशिप जैसा रहता है, जैसे पेरेंटिंग करना या माता पिता का काम जैसे बच्चे को संभालना होता है, उसको डेवलप करना होता है, उसको संस्कार देके बड़ा करना होता है, वही काम एक स्पॉन्सर का होता है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिस्टम, देखिए कि सिस्टम पे लाके छोड़ दिया और उसको फिर बाद में देखा ही नहीं, ये नहीं हो सकता। कि जो आप खुद काम कर सकते हैं,
कि जो माता पिता घर में उसका स्टडी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, वैसे स्कूल में जाने के बाद हर टीचर नहीं कर सकते। इसलिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि वो बंदे की तरफ पूरा ध्यान दे, वो फॉलो कर रहे कि नहीं। पर्पज ऑफ सुपरवाइजर, जब हम सुपरवाइजर होते थे तो कस्टमर शुड गेट रिजल्ट्स, एसोसिएट शुड अर्न प्रॉफिट, यानी दो चीजों से, हेल्थ गोल भी उनको अचीव करके देना है, दूसरा यानी ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट भी उनको कैसा मिले, ये दो चीजें हमें देखना है। क्रिएट प्रोफेशनल प्रॉफिटेबिलिटी सुपरवाइजर, प्रॉफिटेबल योर इनकम शुड एक्सीड योर एक्सपेंसेस, बिजनेस डज नॉट रन बाय डिफॉल्ट बाय डिजाइन, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड यस। तो ये स्पॉन्सरशिप जब हम करते हैं तो एक जवाबदारी आती है, तो जवाबदारी आने के बाद हमें अपना स्किल इम्प्रूवमेंट करना है, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसके बारे में प्लानिंग करके डिजाइन करके हमें आगे चलने का रहता है। तो देखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर गेम एंड डेवलपिंग स्किल्स, कि हमें अगला अगला पिन अचीव करने के लिए ये ज्यादा ज्यादा हमें जैसे बोलते ना कि अलग अलग तरीके से जो हमें फायदा मिलता है, एक तो रिटेल बिजनेस होता है, फिर होलसेल चेक आता है, रॉयल्टी बोनस, ये सभी करने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा हमारा स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा नंबर बढ़ना चाहिए। तो ये क्या पे मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जब औरंगाबाद गया था तो वहां पे एक बड़े सीनियर ने, मेंटोर ने हमें कहा था कि एक मंगोलिया पे एक सुपरवाइजर बन चुका था, तो उसको एक अमेरिका में जाने का था, अमेरिका में भी जो भी एक उस टाइम का एक फेमस एक मेंटोर थे कि जैसे आज अमोल खिल्लारे, बाकी थे जो भी कुछ हमारे है वैसे, तो उनको मिलना चाहता था और उनको ये बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मालूमात रहनी चाहिए थी, लेकिन उसको वहां पे जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने जो भी कुछ घरदार था वो सभी बैंक में लोन पे रखे, गिरवी रखे, उससे पैसे लेके वो चला गया था। उसको उसके घर वाले बीबी सब अपोज कर रहे थे कि मत जाओ, इतने पैसे खर्च करके वहां पर जाने में कोई मतलब। जब वहां पे जाने के बाद वो आदमी को पता चला कि एक ऐसा ऐसा कंबोडिया देश से एक आया है और वो टाइम मांग रहा है, तो उसके पास तो टाइम नहीं था, फिर भी उसने खाली उसको 3 मिनट दिए। जब 3 मिनट में वो गया वहां पे तो उसने बोला कि ठीक है आप क्या कर रहे हो बोलो, तो उसने बोल दिया कि मैंने ऐसे कर रहा हूँ कि मैं यूज वेयर टॉक रिटेल रिक्रूट रिटेंशन एंड फिर बाद में कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी, ये सभी मैं कर रहा हूँ। तो फिर उसने एक ही उत्तर दिया उसकी, इंक्रीज द नंबर, उसने इतना ही बोला कि जाओ ज्यादा ज्यादा नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, बस इतना ही वो लेके वहां पे आया। फिर घर में आने के बाद तो उसकी बीबी उसके हाथों के पीछे पड़ी, आप इतना सब करके गए सीखे क्या, सीखे क्या? वो बोलता नहीं था, वो बोलता था मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरे को टाइम नहीं है, लेकिन उसने उतना थिंकिंग करके ज्यादा ज्यादा नंबर बढ़ाए और जबरदस्त वो प्रेसिडेंट टीम से भी आगे जाके अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लेवल पे जबरदस्त लीडर बोल के वो बात करता है। तो वैसे भी ये है। तो व्हाट यू लैक इन स्किल मेक इट अप इन नंबर्स, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल बिल्ड स्किल्स, स्किल्स दैट वी लर्न स्टे विद अस फॉर एवर, स्किल्स द सक्सेसफुल। जस्ट देखिए कि जो स्किल है वही सबसे बड़ा हमारा खजाना है, कि देखिए कि खाली पैसा ही खजाना नहीं रहता, अच्छे गुण, अच्छे हैबिट, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा हेल्थ, ये भी सबसे बड़ा आरोग्यम धन संपदा जैसे बोलते हैं, यही बड़ा खजाना हो सकता है। जैसे ज्यादा ज्यादा पैसे हम कमाते हैं वैसे ज्यादा ज्यादा अगर स्किल डेवलपमेंट हमें हो गए तो वो भी एक जबरदस्त खजाना है कि जो हमें लाइफ लॉन्ग चल सकता है। ये पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन जो हमें वैल्यूज आती है वो जिंदगी भर हमें लोगों को एक आदर्श बन के रह जाती है। व्हाट इज रिक्रूट एंड बिल्ड ऑर्गेनाइज्ड मींस, यानी ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटिंग एंड बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस, यानी हमें जो अपनी टीम खड़ी करनी की है, ऑफरिंग इनकम अपॉर्चुनिटी टू नीडी एंड एम्बिशियस पीपल, जो भी हमारे परिसर में कौन नीडी गरजू है और कौन एम्बिशियस है कि नहीं मैं ये सब करूंगा। कि देखिए कि अपने फोरम पे इतने सारे है डॉक्टर, जैसे बोलते ना कि हम सुधीर वंशी सर है, विनय मैडम, बहुत सारे यहाँ पे सीनियर मेंटर्स है कि जिनका चूल्हा ये इससे नहीं होता, लेकिन इनको एक पैशन है बाय प्रोफेशन। अगर वो कौन से भी इसमें काम करते रहेंगे तो बाय पैशन है वेलनेस कोच बोल के काम करते हैं, क्योंकि उनको एम्बिशियस है वो नीडी, तो नीडी से ज्यादा वो एम्बिशियस है। वो वैसे आपको ढूंढ के निकालना है कि कब कौन करेगा ये आप नहीं बोल सकते। एक्सपेंडिंग और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिटीज स्टेट्स एंड कंट्रीज, जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो सिटी वाइज, जिला वाइज, स्टेट वाइज और प्रदेश में भी जो हमारे कुछ दोस्त लोग रहते हैं या रिलेटिव रहते हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करके उसी इसमें हमें ज्यादा ज्यादा इन्विटेशन करके उन लोगों को इस फोरम पे लाना है। गाइडिंग एंड सपोर्टिंग आवर टीम टू बिल्ड देयर कंज्यूमर, गाइड एंड सपोर्ट आवर टीम टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन लिवरेज ऑफ द टाइम एंड एफर्ट्स, इसके लिए हमें टाइम और एफर्ट्स भी
देना पड़ेगा, ये हमने देखा है। तो रिक्रूट जब हम करते हैं, लोग जब हमारे उनको नियमनुक करते हैं, उनको हम एसोसिएट में कन्वर्ट करके सुपरवाइजर और सुपरवाइजर से जाने के बाद उनको प्रेसिडेंट टीम का रास्ता दिखाते हैं, तो बी ए ब्रांड योर सेल्फ प्रोडक्ट, इसके वजह से क्या है, तो प्रोडक्ट लवर करके ब्रांड बनिए, अप्रोप्रिएट बॉडी एंड लैंग्वेज एंड बिहेवियर अपना अच्छा रखना चाहिए, एनहांस कंपनी इमेज, स्वस्थ भारत एंड समृद्ध भारत की जैसी सोच है तो वैसे ही डोंट कन्विंस बट अट्रैक्ट पीपल, लोगों के पीछे भागना नहीं है, कन्विंस करते उनको, नहीं सर आप करिए ऐसा मत करिए, तो उनको अट्रैक्ट करना है आपकी तरफ कि नहीं सर ये कुछ तो अलग कर रहे हैं, वो देखते ही देखते फिर बाद में एक दिन अपने से ज्वाइन हो जाते हैं। गिफ्ट ऑफ चेंजिंग लाइफ, क्या वो विजन बिग पिक्चर्स, तो हमें जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी पेशेंस एंड टाइम आर सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन हर्बलाइफ। देखिए कंसिस्टेंट सी पेशेंस और टाइम, कैसे अपना टाइम आएगा, इतना याद रखिए कि ये तीन पीढ़ियों का अगर बिजनेस है हमारे नातों तक चलने वाला, तो चलिए ये कसौटी है, इतना याद रखिए कि एक महीने मुझे इतना चाहिए, वो नहीं आया वो गया, ये नहीं सोचिए कि ठीक है हमारे नसीब में जो है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा आदमी को किसी कुछ नहीं मिलता, तो एक महीना या ऐसा पावर प्ले में एक ऐसे ओवर आएंगे कि उसमें दो चार छक्के लग जाएंगे और हम फिर रन रेट के ऊपर आएंगे, तो हमें कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रहना है। तो देखिए तो ये सोच के अगर हम जाते हैं तो बाकी इस तरह से हम ये कर देते हैं। तो इन्विटेशन स्क्रिप्ट में हमने ये भी देखा है कि कैसे किस तरह से हम ये वर्कआउट करते हैं, कि फिर बाद में इन्विटेशन प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग, जब हम ये थ्री स्टेप जो रिक्रूट और बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, तो इन्विटेशन देते टाइम हम भी एक्साइटेड और कॉन्फिडेंस हमें रहना चाहिए, क्योंकि हमें देख के ही वो ये सब करते हैं। प्रेजेंटेशन वन टू वन कर सकते हैं, फैमिली को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या ऐसे जूम कॉल लेके भी अपने दोस्तों के सामने कर सकते हैं। क्लोजिंग टेक हेल्प ऑफ अपलाइन, जब क्लोजिंग हम करते हैं तो अपलाइन के साथ भी बातचीत करके उनको ये कर सकते हैं बाकी इस तरह से। तो फिर बाद में उनको अपॉर्चुनिटी, तो आपको पता ही है कैसे हम दिखाते हैं कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस विदाउट एनी बिजनेस एक्सपीरियंस, वर्क फ्रॉम होम, न्यूट्रिशन क्लब निकालते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। डिसाइड योर ओन आवर्स पार्ट टाइम फुल टाइम, व्हाट अर्न व्हाट यू आर वर्थ, फाइनेंशियल सक्सेस, जो भी कुछ हम अलग ये मिलता है तो वो फाइनेंशियल सक्सेस बन जाता है। गेट ट्रेंड फ्रॉम टॉप सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स, हम ट्रेंड हो जाते हैं, और इस तरह से ये होने के बाद जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम मैं क्यों आया, तो इसका यही है कि फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे मिला है, तो वैसे ही आप मिल सकता है। लाइफस्टाइल यहाँ पे आने के बाद चेंज हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है, यहाँ पे आने के बाद रिकॉग्नाइजेशन हमें मिलता है, टाइम फ्रीडम, बैलेंसिंग टाइम वर्क एंड फैमिली, ऑलवेज लर्निंग मोड पे हम यहाँ पे रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे कंत्राटी कर्मचारी बोल के 14 बरस से काम करता हूँ, तभी मेरा यहाँ पे पेमेंट देके 30,000 अभी बढ़ा है, लेकिन जब हमारे मैडम यहाँ इस फोरम पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो एक साल में ही वो उनका 1.5-2 लाख तक हो चुका है। यानी यहाँ पे जितना काम करे अपने हिसाब से करे तो वहां तक जा सकते हैं। तो यानी यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अरे कैसा होता है कि सैलरी उतना रहता है, लेकिन जो लोग खाली एम्प्लॉयमेंट है तो उनको तो बहुत अवगढ़ रहता है कि सैलरी उतनी रहती है, लेकिन जिस हिसाब से बाकी की महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से अपना ये नहीं बढ़ता, सैलरी नहीं बढ़ती, तो वो प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसमें चार पार्ट रहते हैं कि एक तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है तो एम्प्लॉयमेंट, मैं वहां पे काम करता हूँ, मुझे 30,000 पगार 14 बरस के बाद है, वो भी एमडी रह के बाकी का ये होने के बाद, तो मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता, उसी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। जब मेरे यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में मेरे काम करता हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होता है इसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैं जब तक काम करूंगा तब तक हॉस्पिटल खुला है, मैं वहीं जाऊंगा तो बंद हो जाएगा, और मुझे वहां पे सब लोगों को जो भी 14-15 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं उनको पेमेंट मुझे देने का रहता है। लेकिन तीसरा जो पार्ट आता है वो बिजनेसमैन का आता है, और चौथा पार्ट आता है वो इन्वेस्टर का आता है। तो इन्वेस्टर का जो है वो ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन है कि जब हम यहाँ पे काम करते हैं हर्बलाइफ में एज ए वेलनेस कोच, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे इन्वेस्टर कोई और रहता है, खाली हम अपना स्किल बेचते हैं और हम आगे निकल के जाते हैं। यस बाहर को तो जा रहा है, तो देखिए फिर बाद में हमारा जो इनकम है इस तरह से ये बढ़ता चला गया है कि अभी का इनकम बहुत ज्यादा है, टोटली 2,45 और बाकी के ये जो अपना इनकम रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या इन्वेस्ट वेलनेस के रूप में मुझे प्रगति हुई,
न्यूट्रिशन मिला, बाकी का ये सभी चीजें मिली है। यस यस। अभी देखिए कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वेलनेस इंडस्ट्री ये अभी सबसे अगर बढ़िया इंडस्ट्री रहती है तो फूड, फिर बाद में हॉस्पिटल और तीसरी जो है वेलनेस इंडस्ट्री, यही तीनों चीजें हैं। तो फूड में क्यों जाना नहीं चाहिए था कि उसके साथ अगर करने का रहता तो होटल डालना पड़ता है या कोई उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, बाकी का सभी रहता है। हॉस्पिटल भी करने का है तो मुझे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं, बाकी के हर रोज वो स्टाफ आया, बाकी के उनको पेमेंट आया सब। लेकिन यहाँ वेलनेस इंडस्ट्री में मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली मोबाइल भी मैं लेके गया तो भी मेरा बिजनेस चल सकता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी मैं एक जबरदस्त एक नेटवर्थ जमा करके मैं ये करता हूँ। क्योंकि जो भी कुछ बिजनेस करना है तो आइडिया करेज इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं लाख दो लाख पांच लाख देने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ मंगाते हो हम खुद खाते हैं और बाकी लोगों की हेल्प करके, लोगों को मदद करके उनको हम अलग अलग नमूने की एक हेल्थ अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हम एक ग्रो करते हैं। तो इसलिए अभी लास्ट के दो तीन स्लाइड रहे हैं। यस, यहाँ पे किसी के शादी का चालू है शायद और ये लेके जा रहा है। तो अभी हमने देखा है कि यू वेयर टॉप, ये तो सभी आपको पता है कि रिटेल रिक्रूट और रिटेंशन, इसमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी ये भी चाहिए, और ये होने के बाद जो अपने हर्बल लाइफ में है फन सिंपल और मैजिक, ये रहने की वजह से हमें अलग अलग तरीके से। और एक मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि हाउ टू हैंडल लोग, जब हम अच्छा किसी को बताने की कोशिश करते हैं लोगों को कैसा रहता है कि उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है इसमें, तो वो क्या कहते हैं कि नो में ज्यादा है। लेकिन नो में हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। नो डज नॉट मीन नेवर, नो मीन्स नॉट नाउ, अभी मुझे नहीं है, क्योंकि अभी उसकी प्रायोरिटी शायद कुछ अलग है। मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ तो वो बोलता है कि सर मुझे मेरी प्रायोरिटी कुछ अभी अलग है, फिर बाद में मैं आपके बारे में सोचूंगा, तो इट्स ओके। और मैं उनको बोलता हूँ कि कोई दोस्त रहेगा, कोई फैमिली मेंबर रहेगा तो भी मेरे को मुझे बताओ। और नो का हम ये बोलते हैं कि नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी वो बोलता है कि ठीक है यहाँ पे तो नहीं है, मैं तो बाद में आपको देखूंगा, लेकिन आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उसका ये करके हम बाकी जा सकते हैं। डोंट टेक नो पर्सनली ईगो, यस, तो इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए, तो हमें ईगो दिखाया जाएगा। ईगो और पैसा ये बहुत अलग अलग ये है, जब हम ईगो छोड़ देते तो पैसा बढ़ जाता है, और ईगो को बढ़ाते हैं तो पैसा हमसे निकल के जाता है। विल एवरीवन बाय टू ज्वाइन, एवरीवन तो कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, प्रत्येक जन नहीं कर सकता, ये जो हम बोलते हैं सत्यनारायण का प्रसाद है, हमें खाली बांटना है जिसके नसीब में उसको मिलेगा और वो लेके वो आशीर्वाद प्राप्त करके खुद बढ़ेगा और सबको बढ़ाएगा। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाने का है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है, एक नेतृत्व, उसकी लाइफ ऐसी रहती है, ये चढ़ उतार सीसो अपीयरेंस हमें लगता है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना है, और उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बोलता है कि ये बेसिक तो सभी को पता रहता है, वही चीज जो अपने आइडिया लगा के अलग तरीके से जाता है और सबसे पहले सक्सेस होता है उसी को ही नेतृत्व बोलते हैं, और ऐसे अलग अलग माध्यम से हम सीखते हैं तो फिर वहीं पे हम जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने टीम के साथ बिल्ड करके रखना है, क्योंकि सिस्टम मीन्स ऑफिस क्लब जो भी हमारा है, तो अपलाइन स्पॉन्सर्स बाकी इनके साथ जब हम रहते हैं तो देखिए कि स्ट्रॉन्ग पर्सन इन वीक टीम इज अ वीक, बट अ वीक पर्सन इन ए स्ट्रॉन्ग टीम इज अ टीम, यानी जो भी कड़पा मध्य रहते तो वो कड़क के साथ वो निकल के जाता है। तो हमें ये जो सब करने का है तो सब रिस्पेक्ट कंपनी रूल्स पॉलिसी जो है उसके साथ, हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी यानी पवित्रता प्रामाणिकपना के साथ हमें करने का है। ट्रीट एवरीवन इक्वल, सभी को हम इक्वल मानते हैं, इसमें अपने ये प्लेटफॉर्म पे ऊंच नीच जाति धर्म भेदभाव और शिक्षण का भी कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ पे अपना स्पॉन्सर मेंटर और अपना अपना स्किल्स इसके ऊपर हम डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे कोई अपनी डिग्री या शिक्षण का मायना नहीं रखते। योर रेपुटेशन इज व्हाट अदर थिंक अबाउट यू एंड योर कैरेक्टर इज हु यू आर, तो वो इथिक्स से हम ये कर सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस ग्रोथ, ये फ्रेमवर्क मुझे अच्छा लगा था, ये लास्ट में मैंने दिया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल खुद का चेंज करना पड़ेगा जब भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम ग्रोथ कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्थ रिजल्ट चाहिए हमें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट हमारे होने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैप माइंडसेट हमारा बनना चाहिए, और एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन क्या रहना है, डेली इन्विटेशन हमें न कुछ करते इन्विटेशन देना है, फॉलोइंग द बिजनेस फ्लो
यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टूल्स, जो भी टूल्स है हमारे पास, जो भी मोबाइल्स के ऊपर जो भी कुछ सोशल मीडिया के अलग अलग टूल्स है उनका यूज करके हमें कैसा ये करना है, ये खुद देखिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेस ग्रोथ, फर्स्ट लाइन कंज्यूमर्स, देखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो फर्स्ट लाइन कंज्यूमर, फर्स्ट लाइन एसोसिएट और फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, गेट एक्टिव टू क्रिएट एक्टिविटीज। तो ये सब करने के बाद थिंक बियॉन्ड द लिमिट, हमें कुछ अलग इतरों से सोच के आगे बढ़ना है, वही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर करंट सिचुएशन, सक्सेसफुल पीपल्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर वेयर दे वांट टू बी, यानी आगे हमें कहाँ तक जाने का है वो सोच के आज का हमें कष्ट ये करना का है तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो देखिए कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता के लिए कितने भूखे हो, क्योंकि एक शेर जब भूखा होता है तो दुगनी रफ्तार से काम करता है। तो थैंक यू ऑल गेस्ट स्पीकर, सीनियर लीडर्स, एसोसिएट्स, ऑल माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। तो ये सभी चीजें आज हम थोड़ा सा बहुत दिन के बाद डिस्कस कर चुके हैं, एक बार सभी को ये पता था, लेकिन एक बार इसी फोरम से इकट्ठा करके हम उसके ऊपर एक बार फिर हमने अच्छी तरह से कैसे इनविटेशन देना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है और कैसे फॉलो अप लेके हमें आगे बढ़ना है, यही हम देख सकते हैं। यस, यहाँ पर अगर किसी को कुछ पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप भी सीनियर मेंटर्स है तो वो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यस, थैंक यू फॉर काम लिसनिंग टू मी। यस, डॉक्टर सुधीर सर ने हैंड रेज किया है। यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। यस यस, वाह, व्हाट एन अमेजिंग सेशन। आनंद सर ने तो आज जितना हमने एक्स्ट्रा वैकेंसी बेंगलोर में भी नहीं सीखा था उतना आपको नॉलेज दिया है। ओके, और पूरा जो एक्स्ट्रा वैकेंसी की थीम थी कि लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने को कोच बनना है तो ये प्रैक्टिकल में नॉलेज इम्प्लीमेंट हमें करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर कि ऐसे बहुत अच्छा आपने सबको इंस्पायर किया। और सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है, सिर्फ खुद को हमें तैयार करना है। हमारी कंपटीशन किसी दूसरे कोच से नहीं है, हमारी कंपटीशन अपने से है। हम जो कल थे तो कल से हम आज बेटर होना चाहिए, जो हम आज है वो कल इससे बेटर होना चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छी बातें बताइए आनंद सर ने। और जो ईगो होता है ना, तो ईगो जो हम सभी को लगता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना भी एक प्रकार का ईगो है। जो दूसरे से बात करने समय करते समय जो हिचकिचाहट होती है, किसी कोई ओबीज आदमी दिख रहा है लेकिन मैं कैसे उसको बोलूं, कैसे उसको कार्ड दूं या कैसे मैं बात करूं, फिर वो क्या बोलेगा, ये जो सोचना है ये भी एक पार्ट ऑफ ईगो है। तो ईगो को बिल्कुल उसका त्याग करना है, जो अपने को लगता है कि इसको बोलना है तो बोलना है। ओके, यस, बहुत अच्छी बात बताई आनंद सर ने। यस, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर मोटिवेट अस। यस, तो मेरे गुड मॉर्निंग सर। यस सर, थोड़ा रेंज का थोड़ा सा इशू है सर, जब कैमरा चालू करके रेंज पर जाती है। यस यस, सरांचं खूप सेशन तो खूप छान झालंय, आणि जसं सुधीर सर म्हणले की बेंगलोरला एक्स्ट्रा वॅगन मध्ये जसं नॉलेज आम्हाला मिळालं नाही, त्याच्यापेक्षा किती तरी पटेन तुम्ही नॉलेज आणि साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये तुम्ही दिलंय। नक्कीच जे आपले कोचेस किंवा सुपरवायझर आहेत ना, त्यांनी सगळ्यांनी, मी बघत होतो सगळ्यांनी म्हणजे घरी असताना सगळ्यांनी नोट्स काढल्या, सगळ्यांनी लिहून घेतलं, तुम्ही प्रत्येक पॉईंट तिने लिहून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही सांगितलेले प्रत्येक गोष्ट आता बघितले। जवळपास सगळे लोक, काही लोक म्हणजे काम करत करत लोक स्वयंपाकघर असतील म्हणा, जेवण करत असतील म्हणा, बाकीचं काही करत करत लोकांनी सुद्धा सगळं म्हणजे तुमचं शिष्य आधी खूप चांगल्या प्रकारे ऐकलेलं आहे आणि नक्कीच याचा आपल्याला खूप म्हणजे खूप फायदा होईल सर। ओके सर, थँक्यू। यस, थँक्यू। आपल्याला रेंज नसताना सुद्धा सर आपण एक जबरदस्त व्हॅल्यू डिलिव्हर केली, आम्हाला मोटिवेट केलं, थँक्यू सर। मी आपल्याला स्पॉटलाइट करण्याचा प्रयत्न करत होतो पण ते ऑप्शनच येत नाहीये, कारण आपल्याला रेंज नसल्यामुळे असेल कदाचित। यस सर, थँक्यू सर। यस, तो अभी विष्णु सर ने हैंड रेज किया है तो
तो उनको अनम्यूट करता हूँ मैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर हमारा फोरम टिक के रहना है तो विष्णु जी का हमें आशीर्वाद इम्पोर्टेंट रहता है। तो यस सर, स्टेज इज योर। सर आवाज नहीं आ रहा सर। नहीं सर, एक बार माइक बंद शुरू कर जाइए। अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करने का है, अगर किसी को वैल्यू ऐड करने का है तो भी कर सकते हैं। यस विष्णु सर, बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था आपका, है ना? यस यस, यस। तो एक बार बंद शुरू चालू कर सकते हैं, अनम्यूट। यस यस, हैंड रेज कीजिए सर। विष्णु सर हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज। विष्णु सर क्या करिए, एक बार आप मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर से शुरू होके ज्वाइन हो जाइए। जब तक मैं प्रतिभा लाखी मैडम ने हैंड रेज किया है तो उनकी तरफ जाके मैं उनका अनम्यूट करता हूँ और उनको बोलने को विनंती करता हूँ। यस प्लीज, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली। सर सेशन तर खूप सुंदर झालं, मोटिवेट करणारे सेशन होतं। कंज्युमर बेस कसा करायचा, कंज्युमरचा फॉलोअप कसा घ्यायचा, कंज्युमरची केअर कशी घ्यायची, आपण जर कंज्युमरची म्हणजे केलेल्या कंज्युमरचा आपण फॉलोअप नाही घेतला तर आपल्याला ते कसे जोडून राहणार, आपल्याबद्दल आणि त्यांच्याबद्दल कशी आत्मीयता राहणार, तर आपण त्यांची केअर कशी घ्यायला पाहिजे। खूप सुंदर सेशन होतं सर। तर थँक्यू सो मच सर। येस थँक्यू मॅडम, की आपण खरोखर एवढ्या बिझी शेड्यूल मधून सुद्धा तुम्ही वेळ काढला, नोट्स काढले आणि ऐकलं, तेच आमच्यासाठी खूप भरपूर हे झालं। आता तुमची ड्युटी कधी आहे, मॉर्निंग इव्हनिंग? सर नाईट आहे उद्यापासून। अरे बापरे बापरे, येस येस येस, अच्छा येस, थँक्यू। चला विष्णू सर जुळले, त्यांच्याकडे मी जातो। ओके सर, येस थँक्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस आवाज येतो सर? येस आपलाच आवाज आहे सर। येस येस येस, ओके सर। सेशन तर तुम्ही फार छान घेतलं आणि तुमचं सेशन तर मला आवडीचं सेशन आहे। तुम्ही जरा असला तर मी जॉईन व्हायचा प्रयत्न करतोय, कुठलेही काम असलं तर मी जरा थांबवतोय, बाहेर जाता जाता तुमच्या सेशन ऐकण्यासाठी थांबला। इतके छान तुमच्या स्लाइड असतात, ते स्लाइड बघूनच असं चित्रीकरण डोळ्यासमोर येतं सारखं, आणि तुमचं जे सांगणं आहे कंटिन्युएशन असं हलो असं वाटत नाही त्या कॅमेऱ्यानं पडून। एकदम छान सेशन घेतलं। आणि आपण काय केलं पाहिजे, इन्व्हिटेशन हा आपला मेन पार्ट आहे, आणि ते इन्व्हिटेशन कसं करायचं हे तुम्ही चांगलं समजावून सांगितलं सर। थँक्यू सर, चांगली डिलिव्हरी ऍड केल्याबद्दल। येस थँक्यू सर, थँक्यू। हा आपल्या फोरमचा मला असं वाटतं की पहिलाच प्रकार होता की स्किल डेव्हलपमेंटसाठी कोणतरी एकाने येऊन थोडस लेक्चर डिलिव्हर करणार, तर हळूहळू असेच आपले जे सिनियर मेंटर्स आहेत ते सगळे असेच करतील। अनिल सरही करतील, डॉक्टर सुधीर सरही देतील, आणि रमा मॅडम असतील, बाकीचे आपले जे काही हे आहेत, श्रेया मॅडम असतील, सगळेजण जे आपले सिनियर मेंटर्स आहेत तर ते नक्कीच हे व्हॅल्यू ऍड करतील। येस बरोबर। आणि आता नेक्स्ट टाइमला विष्णू सर, रेखा मॅम, त्याच्यानंतर आपल्या आयशा शेख मॅम आणि ज्योती चपने मॅम, त्याचे न्यूली वर्ल्ड टीम झालेले लोक आहेत, त्यांनी स्किल डेव्हलपमेंटचं ट्रेनिंग घ्यायचंय। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपलं हे जे 21 डेज वेट लॉस मॅरेथॉन जे स्टार्ट होत आहे आता आपल्या 18 तारखेपासनं, आणि स्किन चॅलेंज, तर ह्याच्यासाठी सगळ्यात बेसिक आपला जो पाया आहे ना तो हाच आहे,
आपण असं हॅपी टू हेल्पला तर आपण इन्व्हाइट करतो लोकांना, त्याचा प्रश्न नाहीये. पण जेव्हा आपण 21 डेज वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये लोक बसू किंवा स्किन चॅलेंज मध्ये लोक बसू किंवा पार्टिसिपेंट बसू, तेव्हा ते डेली तो टास्क करणं, व्हिडिओ टाकणं किंवा डेली फ्युल कन्झ्युम करणं ह्याच ते म्हणजे त्याच्यामध्ये कंटिन्युटी राहते आणि त्याच्यामुळे त्यांची हेल्थ सुधारते पण आपला पण बिझनेस त्याच्यामुळे ग्रो होतो. तर त्याच्यासाठी हे जे बेसिक टूल आहे ना आपलं, आणि खूप सिम्पल टूल आहे हे, तर प्रत्येकाला एक वेळेला तरी, आपण जे फ्युल घेणारे लोक आहेत त्यांना जर आपण 21 डेज वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट करायला लावलं तर त्यांना जे सेशन मिळतात स्पेशलाइज सेशन, त्याच्यामुळे ते ट्रेन होतात आणि मग परत स्वतःची हेल्थ मेंटेन करणं आणि लोकांची हेल्प करणं अशा पद्धतीने ते काम करू शकतात. पण जर ते बसले नाही तर डेली फ्युल टू टाइम ते कन्झ्युम करत नाहीत, सप्लिमेंट प्रॉपरली घेत नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांचाही रिझल्ट प्रॉपर नसतो आणि न ते कोणाला हेल्प करू शकतात. कारण ज्याचा रिझल्ट चांगला किंवा जो स्वतः फ्युल घेतो तोच लोकांना सांगू शकतो, किंवा ज्याचा रिझल्ट विजिबल आहे तर तोच लोकांना हेल्प करू शकतो. तर मी आता इथे सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेल की जे आपलं 18 तारखेपासून जे 21 डेज वेट लॉस मॅरेथॉन स्टार्ट होत आहे त्याच्यामध्ये सगळ्या सिनियर कोचेसनी आणि म्हणजे सगळ्या कोचेसनी पार्टिसिपेट करायचंच आहे, पण आपले कमीत कमी 2 किंवा 5 तरी पार्टिसिपेंट, म्हणजे स्किन चॅलेंजला 2 आणि वेट लॉसला 5 असे तरी पार्टिसिपेंट बसवण्याचा प्रयत्न करा. जेवढे बसतील तेवढे बसतील. हे आपण कशासाठी करतोय की ही जी आपली सिस्टीम आहे ना, ही रन करतात. हर्ष सर ह्या कॉलसाठी काही पेमेंट भरतात बरोबर, ते काय आपल्याकडनं ते पेमेंट घेत नाही. आणि आपण हे जे 21 डेज वेट लॉस मॅरेथॉनची जी फीस ठेवतो किंवा स्किन चॅलेंजची फीस ठेवतो, तर ह्याच्यामधनं आपण काय करतो की लोकांना चांगल्या गोष्टींना मोटिवेट करण्यासाठी आपण त्याचे जे पैसे आहेत ते जमा करून आपण प्राइस साठी वापरतो, है की नाही. तर ते दुसरी गोष्ट अशी आहे की ही जी सिस्टीम चालू आहे सध्या, की आता बघा तुम्ही म्हणजे सगळेजण वेळ काढून बसलेत, आज डॉक्टर सुधीर सर पण आहेत किंवा आता विष्णू सर पण म्हणाले मी बाहेर जाता जाता थांबलो, तर आपला वेळ जो आहे तर सगळेजण जेवढे ह्या कॉलवर आहेत तर प्रत्येक कुठे ना कुठे आपलं योगदान देत आहे हा कॉल चांगलं करण्यासाठी, आणि तर त्याचा काहीतरी आपल्याला बेनिफिट झाला पाहिजे असं मला वाटतं. तर हा जो कॉल आहे म्हणजे अशा क्वालिटीचे लेक्चर जे आहेत, आता स्किन चॅलेंजचे पण म्युझिक थेरपीचं लेक्चर तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही, ऍडव्हान्स ब्युटी ट्रीटमेंटचं पण कुठेच मिळणार नाही तुम्हाला. तर ह्या सिस्टीम मध्येच फक्त ते स्किन चॅलेंजचे सेशन दिले जातात. तर डेफिनेटली आपल्याकडे अशी जी लोक आहेत जी त्या फील्ड मधले मास्टर आहेत ते द्यायचा प्रयत्न करताय आणि मिनिमम फीज असते त्याची. तर माझी अशी रिक्वेस्ट आहे की असंही आपण फ्युल घेतोच आहे ना, ऍज अ कोच आपण SMS प्रोग्राम फॉलो करतो, तर प्रयत्न करावा की आपण ह्या वेट लॉस मॅरेथॉनला बसू. काय होतं माहितीये का, आपल्याला जेव्हा आपली लोक बघतात ना वेट लॉस मॅरेथॉनला बसलेलं, तर तेव्हा ते पण मग ग्रुप आणि करायला लागतात, अरे बाबा माझे कोच पण आहेत ते पण करताय, मग मी पण टास्क टाकेल. आणि सगळ्यांबरोबर ती गोष्ट हेल्थ गोल त्यांचा अचीव करण्यासाठी खूप हेल्प होते. असं जर एकट्याने जर करायचं म्हणलं तर ते प्रॉपरली होत नाही. दुसरी एक गोष्ट मी इथे अनाऊन्स करू इच्छिते की आपण काही आता गिफ्ट वगैरे ठरवलेली आहे, तर पहिल्यांदा जे शो केलं जाईल फ्लायर ते सुपरवायझरनी आपापले जे असोसिएट आहेत त्यांना द्यायचं, आणि सेकंड जे वॅकेशनचं फ्लायर शो केलं जाईल तर ते सुपरवायझर साठी आहे. तर त्याच्यासाठी काही हे बघा हे जे आहे तर हे फ्लायर नंतर ग्रुपवर पण येईल. तर जी लोक अशी आहेत की जे 15% डिस्काउंट वर आहेत किंवा 25% डिस्काउंट वर आहेत किंवा 35% डिस्काउंट वर आहेत किंवा 42% डिस्काउंट वर आहेत, तर अशा लोकांसाठी हे आहे. तर हे जे स्वतःचे पर्सनली परचेस व्हॉल्यूम 300 व्हॉल्यूम पॉइंट करतील त्यांना एक मोबाईलचं स्टँड दिलं जाईल, त्याच्यानंतर 500 पर्सनल परचेस व्हॉल्यूम करतील त्यांना एक योगा मॅट दिली जाईल, त्याच्यानंतर जे पर्सनली परचेस 1000 व्हॉल्यूम पॉइंट करतील तर त्यांना 1000 पॉवर बँक दिली जाणार आहे 10,000 mAh ची, त्याच्यानंतर जे 2000 करतील त्यांना आणखीन चांगल्या पद्धतीची पॉवर बँक दिली जाणार आहे, आणि जे 2500 व्हॉल्यूम पॉइंट करतील अशा लोकांना रिंग लाईट दिली जाणार आहे. आणि हे जे प्राइजेस आहे हे जे ते सुपरवायझर ज्या त्या असोसिएटला देणार आहे. येस. आणि वॅकेशनचं जर म्हणाल, वॅकेशनचं काय आहे, एक मिनिट मी टाकते. दिवे आगारचे वॅकेशनला जायचंय तर त्याच्यासाठी काही हे आहेत क्रायटेरिया आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं असं की कधी लक्षात घ्या की एखादा कन्झ्युमर आहे, खाणारा व्यक्ती ज्या दिवस टिकतो
का स्वतः खाऊन आपल्या बरोबर बिझनेस करणारा किंवा विकणारा किंवा बाकीच्या मदत करणारा व्यक्ती जास्त दिवस टिकतो हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रेफर कस्टमरला आपण असोसिएट मध्ये कन्वर्ट करू आपल्या बरोबर कशा पद्धतीने जे काही टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी अँड हॅपियर साठी बाय चेंजिंग पीपल्स लाईफ ह्यासाठी भरपूर आपल्याला हँड्सची गरज आहे लोकांची मदत करण्यासाठी. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोक आपण एकत्र जोडणं आणि एकत्रितरित्या ग्रो होणं ह्याकडेच विशेष लक्ष दिलं पाहिजे असं मला वाटतं. येस, तर दुसरा जो फ्लायर आहे जे आहे ही आपल्या एचबी फोरमची वॅकेशन आहे. जशी आपण मागची वॅकेशन जयपूरला गेलो होतो तशी आपण ही आता दिव्यागरला जाणार आहोत. तर तिथे जे काही बीचेस आहेत अशा ठिकाणी आपल्याला तिथे फिरायला मिळणार आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण चार लेवल ठेवलेले आहेत. तर फर्स्ट लेवलमध्ये एक जे म्हणजे एक पर्सन क्वालिफाईड किंवा फर्स्ट लेवल क्वालिफाईड जे स्वतः किती 10,000 व्हॉल्यूम पॉइंट करतील ते या महिन्यापासूनच लागू होतोय डिसेंबर पर्यंत. त्याच्यानंतर जे दुसरी लेवल जी आहे त्याच्यामध्ये दोन व्यक्ती जाऊ शकतील फ्रीमध्ये ज्याच्यामध्ये 12,000 व्हॉल्यूम पॉइंट करायचंय. तिसरी जी लेवल आहे ती आहे 14,000 व्हॉल्यूम पॉइंट करायचे आणि चौथी जी लेवल आहे ती 16,000 व्हॉल्यूम पॉइंट करायचे. हे तुम्हाला एकाच महिन्यात करायचं नाहीये तर डिवायडेड क्वांटिटीमध्ये सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर असे चार महिन्यामध्ये तुम्हाला ते अचीव करायचंय. तर त्याच्यामध्ये एक कंपल्शन आहे की त्यामधले 500 व्हॉल्यूम पॉइंट हे पर्सनली परचेस असले पाहिजे. तर ह्या गोष्टींकडे फोकस करा. आणि आता इथे तर प्रत्येक जण जे आलेला आहे इथे स्वतःचा रिझल्ट क्रिएट करून आलेला आहे किंवा स्वतःसाठी आलेला आहे असं मी म्हणेन. आपण की आपल्या स्पॉन्सरसाठी आलेलो नसतो, स्वतःसाठी आलेलो असतो, स्वतःच्या हेल्थ रिझल्ट साठी आलेलो असतो किंवा आपल्याला जो आनंद मिळाला हेल्थ मिळाली आहे त्याच्यासाठी आपण लोकांना मदत करतो. तर हे जे आहे हे गिफ्ट जे आहे हे अचीव करण्याच्या दृष्टीने जर आपण जर्नी चालू केली तर डेफिनेटली आपण आणखीन चांगल्या पद्धतीने अचीव करू शकतो. जर आपले गोलच काही नसतील ना तर आपण ते अचीव करू शकत नाही. पण जर आपण गोल ठेवला आणि त्या पद्धतीने जर वर्क केलं ना तर नक्की होतं. आणि हा जे युनिव्हर्स आहे ना हे पॉझिटिव्ह एनर्जीनी भरलेली आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जशी इच्छा कराल ते तुम्हाला मिळतं हे डेफिनेटली. तेवढंच करायचं जसं की आपल्याला सुधीर सर सेशन मध्ये सांगतात बघा पॉझिटिव्ह अफर्मेशन करा, पॉझिटिव्ह आपण गोल सेट करा. तर ह्या गोष्टींकडे थोडस आपण फोकस राहणं गरजेचं आहे. बाकी आपल्या कॉलची क्वालिटी तर वरच्या वर इतकी सुंदर होत चालली आणि सगळ्यांचं जे डिवोशन आहे सगळ्यांचं म्हणेल मी सगळ्यांचंच ह्याच्यामध्ये डिवोशन आहे. तर डेफिनेटली ह्या डिवोशनमुळे आपण पुढे जातोय आणि नक्की आणखीन पुढे जाऊ. आणि एकमेकांचे आपले जे हात आहेत ते एकमेकांच्या हातामध्ये ते आपल्याला सुटू द्यायचे नाहीत हे पण लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. येस, वृंदा मॅमनी हँड रेज केलंय. थँक्यू. सर मला एक विचारायचं होतं म्हणजे नवीन माझी फॅमिली मेंबर झाले त्यांचे 600-700 पॉईंट झालेले आहेत. हा मग त्यांना फूड लायसन जरुरी असते का लॉकडाऊन असं त्यांना काय फूड लायसन? हा हा प्रिफर्ड कस्टमरला फूड लायसन गरज नाही पण तुम्ही जर त्यांना असोसिएट मध्ये जर कन्वर्ट करणार असाल तर त्याच्यासाठी फूड लायसन जरुरी आहे. मग त्यांना म्हणजे त्यांनी कंटिन्यू करत आहेत आणि लोकांना पण मदत करत आहेत मग त्यांना असं कन्वर्ट करावं लागेल ना? त्यांना कन्वर्ट करावंच लागेल मॅम. का करावं लागेल? कारण जर नुसतं प्रिफर्ड कस्टमर त्या राहिला तर त्या फक्त 35% राहतील. म्हणजे त्यांनी नंतर किती व्हॉल्यूम पॉइंट केले तरी. आणि जर तुम्ही त्यांना असोसिएट मध्ये कन्वर्ट केलं तर ते पुढचे टप्पे क्रॉस करू शकतील 42%, 50%. हा दूसरी गोष्ट अशी की त्यांना जेव्हा आपण असोसिएट करतो समजा अशी एखादी फॅमिली आहे की त्यांच्या फॅमिलीमध्ये सगळ्या लोकांना फ्युल कन्झ्युम करायचंय मग अशा वेळी तशा लोकांचा आयडी त्यांना काढून द्यायला लागेल तर त्या लोकांना ते खायला परवडेल. बरोबर? हा तर मग जेव्हा ते असं आयडी कन्वर्ट करतील त्यांचा तेव्हाच त्यांचा फायदा होईल. म्हणजे त्या कन्झ्युमरचा पण फायदा होईल आणि ह्यांचा पण ग्रुप वाढायला मदत होईल. तर तुम्हाला त्यांना कन्वर्ट हे करावंच लागेल. FSSI लायसन पण काढावं लागेल आणि असोसिएट मध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. त्याच्यासाठी तुम्हाला आपले जे अनिल सर आहेत ना अनिल सर आणि अलका मॅडम त्यांचं जे बच्चू आयुष तो खूप सुंदर पद्धतीने हे काम करून देतो. त्यांच्याकडनं वाटल्यास त्यांचा फ्लायर मागवून घ्या तुम्ही ते फ्लायर देतील. तर त्या पद्धतीने तुम्ही जर त्यांचे डॉक्युमेंट्स वगैरे सगळे फॉरवर्ड केले ना तर ते करून देता. मी त्यांना बोलली तर बोलते नाही मला असंच घ्यायचंय म्हटलं तुम्हाला पण फायदा होईल ना. त्यांना फक्त एवढं सांगा की बाबा तुम्ही किती खाल्ले. उद्या समजा ते 8,500 व्हॉल्यूम पर्यंत जर गेले हा तर मग कसं होणार?
ते राहणार 35 मग ते परत तुम्हाला ब्लेम करणार की मॅम तुम्ही आम्हाला सांगितलं नाही 42% ला आम्ही गेलो असतो. त्यांना तो फायदा समजावून सगळ्यात दुसरा असा फायदा सांगायचा की आता श्रेया मॅडमनी एक हे टाकले की बाबा जर ते ऑस्ट्रेलिया मध्ये कन्वर्ट झाले तरच ते जास्तीत जास्त लोकांची मदत करू शकतील आणि त्यांच्या अंडर त्यांचा आयडी काढू शकतील आणि त्यांची एक चांगली टीम ग्रो होऊ शकते पुढे ऍज अ लीडर म्हणून ते डेव्हलप होऊ शकतात प्लॅन बी मध्ये. ओके मॅडम. नाही आता तेच त्यांचा मुलगा मेडिकल टाकणार आहे थोडं हे आहे तर त्यांना म्हणजे तुम्हाला पण तुम्ही मेडिकल मध्ये पण तुमचे पॉम्पलेट वगैरे ठेवू शकता असं नंतर. आणि सांगितलं मी की त्यांना स्वतःला खायला जरी डिस्काउंट मध्ये हवं असेल तरी त्यांना असोसिएट मध्ये झालं तरच पुढचा डिस्काउंट मिळणार. हो त्यांची पूर्ण फॅमिलीच घेत आहे तर त्यांना त्यांना वाटलं की खूप त्यांचा फायदा समजावून सांगा मॅम. म्हणजे ते त्यांचं काय म्हणणं आहे की खूप काम असतं म्हटलं काम वगैरे काही नसतं मीटिंग कसं होतं कधी कधी ना काही काही लोकांना आपल्याला डिसिजन घ्यायला मदत करायला लागते कधी 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 त्यांना असं पाण्यात ढकलल्यासारखं ढकलावं लागतं मग ते ऑटोमॅटिक पोहतात आणि नंतर त्यांना कळतं की आपल्या स्पॉन्सरनी बरोबर केलं. नाही मी सांगितलं म्हणजे मी मला जे सांगितलं ते त्यांना सांगितलं म्हणजे तुम्हाला जर खायचं असेल व्यवस्थित डिस्काउंट मध्ये तर तुम्हाला करावं लागेल असं. कारण सप्लिमेंट जर ऍड करायचे झाल्या होल फॅमिली कन्झ्युम करायचं झालं तर डिस्काउंट रेट मध्ये पडलं तर आपण जास्त सप्लिमेंट खाऊ शकतो. बरोबर आहे की नाही? आज पण घेतात ते सगळं नाईटवर्क पासून सगळं घेतात. आणि वाटल्यास ना त्यांना जर तेवढं कामाचं टेन्शन येत असेल तर त्यांच्या अंडर तुम्ही त्यांना आयडी काढून देऊ शकता ना मॅम. तुम्ही सांगू शकता की बाबा ऍज अ स्पॉन्सर मी तुम्हाला सपोर्ट करेल आणि तुम्ही हा कोचिंग मी करेल कैश्रेया मॅम टाकताय मी सगळं करायला तर म्हटलं की मग तयार तुम्ही फक्त नंबर घ्या तुमचा नंबर द्या आणि मी बोलेल म्हटलं. सुधीर सर व्हॅल्यू ऍड करायचं म्हणताय सर पण ऍड करताय. तर काय असतं ना की असोसिएट मध्ये कन्वर्ट करायचे खूप फायदे आहेत. सेशन तर आहे ते 50% पण येऊ शकतात. दुसरं ट्रेनिंग जे मिळतात ना कोचेस करता तर याच्यामध्ये हे त्यांना आपण दाखवलं पाहिजे ऑपॉर्च्युनिटी की तुम्हाला इथे पर्सनली डेव्हलप होते तुम्ही एक स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकता एक कॉन्फिडन्स यामध्ये येतो. आणि वेगवेगळ्या वेलनेस कोचच्या ट्रेनिंगमध्ये कोणाला कोणतं पॉईंट कधी ऍप्रिशिएट होईल काही सांगता येत नाही. त्यामुळे मी तर आमच्या सगळ्या असोसिएटना आधी सांगतो की तुम्हाला जर स्वतःची पर्सनली डेव्हलप करायची असेल एक पूर्ण एक सिस्टीमचं नॉलेज तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्ही कोच बनलं पाहिजे. आणि कोच बनल्याचे हे वेगवेगळे फायदे आहेत. आणि सुरुवातीला आपल्याला आपल्या अंडरचे जे कोचेस आहेत असोसिएट आहेत त्यांना सपोर्ट करावाच लागतो. त्यांच्या डाऊनलाईनला बोलणे म्हणा किंवा त्यांचे अकाउंट काढणे म्हणा त्यांचे ऑर्डर टाकणे म्हणा हे सुरुवातीला ऍज अ पॅरेंट आपल्या करावंच लागतं. आणि हळूहळू मग आपले असोसिएट सक्षम झाले की मग ते पण तेच करतात जे आपण केलं होतं. तर ते पॅरेंटिंग जसं असतं ना तसं गुड पॅरेंटिंग आपल्याला करावं लागतं. आणि प्रत्येकाला बघा प्रत्येक जण इथे पैशा करता येत नाही. एक तर आपण आलो हेल्थ करता नंतर आपल्याला याच्यामध्ये एक ऑपॉर्च्युनिटी दिसली. काही जणांना एक गुड कम्युनिटी हवी असते एक चांगलं नेटवर्क हवं असतं कारण आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणचा एरिया किंवा जो काही सराउंडिंग पर्सन म्हणजे एरिया जो आहे किंवा लोक आहेत ते चांगले असतीलच असं नाही. लोकांना कधीही एक एलाइट ग्रुपला अटॅच व्हावं वाटतं. आता प्रत्येक शहरामध्ये रोटरी क्लब आहे लॉयन्स क्लब आहे तर इथे सगळे मोठे मोठे लोक का जॉईन होतात कारण तिथे एक त्यांना सर्कल दिसतं एक नेम आणि फेम दिसतं. तर तसंच इथं आहे तिथे तरी रोटरी क्लबला वगैरे आपले स्वतः पैसे खर्चून समाजसेवा करावी लागते. इथे तर दोन्ही ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आणि व्हॅकेशनची एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी दाखवू शकतो आपण की चांगल्या लोकांसोबत आता विना वर्ल्ड किंवा बाकी केसरी टूर्स बरोबर कोणी जाईल पैसे भरून. तिथे जे लोक असतात ते अनोळखी असतात. इथे आपलं मित्र परिवार आहे आपण रोज एकमेकाला व्हर्च्युअल कॉलला भेटतो एक चांगला परिवार आपला तयार होतो आणि त्यांच्यासोबत आपल्याला व्हॅकेशनला जायला मिळतं. तर अशा कोणाला कोणती ऑपॉर्च्युनिटी सूट होईल हे सांगता येत नाही. तर हे सगळे आपण दाखवायचे आणि मग ते आपोआप कोचेसमध्ये कन्वर्ट होतात. आणि पुढे आता प्रत्येकाला वाटतं बघा की मी प्रत्येकाला कॉल करत बसणार नाही किंवा फॉलोअप घेत बसणार नाही किंवा काही दिवसांत कंटाळा येतो त्यांना. त्यांना सांगायचं की तुम्हाला ऑर्डिनरी पासून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झालात तर तुम्हाला पुढे ऑपॉर्च्युनिटी आहे. मग आपले जे प्रेसिडेंट टीम झालेत बरोबर आहे काही विशेष क्वालिफिकेशन नसताना केवळ कम्युनिकेशन स्किल आणि ह्या ट्रेनिंग जे घेतात आपले वेलनेस कोच त्या ट्रेनिंग घेऊन ते इथपर्यंत गेलेले आहेत. जेव्हा हे आपण ते उदाहरण देतो तेव्हा ते पण प्रवृत्त होतात. तर आज वृंदा मॅडमच्या क्वेश्चनमुळे खूप जणांना इन्स्पिरेशन मिळालं की हे जे कोचेस
जास्तीत जास्त प्रोडक्ट कंझ्युम करतात म्हणजे जे कंझ्युमर्स त्यांना आपण असोसिएट मध्ये कन्वर्ट करायला आपणच थोडस त्यांना प्रोत्साहित केलं पाहिजे. येस थँक्यू सुधीर सरांना मी सांगेल. सर तुम्ही पालघरला आले तर आम्हाला जरूर भेटायला या किंवा आम्ही पालघरला तुम्हाला भेटायला. येस येस तुम्ही बोईसरला असता ना मॅडम? हो बोईसरला असतो. ऍक्च्युली तारापूरला राहायचो आधी. चिंचणी तारापूर आणि चिंचणी पोस्टिंग तारापूरची आणि एमआयडीसी बोईसर एमआयडीसी. येस 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 आणि माझ्या मुलीचा जन्म बोईसरचा आहे बरं का. डॉक्टर समीर दीक्षितच्या दवाखान्यात तिचा जन्म झाला. तिथेच राहतो आम्ही त्याच्या जवळच राहतो. येस येस म्हणजे तुम्ही आला आम्ही थोडा छोटासा कॅम्प पण घेऊ शकतो. ओके ओके आता पुढच्या महिन्यात येणारच आहे मी त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल. कारण तुमचा आणि आमचा खूप फरक पडतो. अनन्सर झाले तुम्ही म्हणजे सिनियर झाले तर फरक पडतो. येस आणि आता विषय निघाला म्हणून सांगायला हरकत नाही. पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण मॉर्निंग कॉलवर एक सेशन मी डिझाईन केलंय की सुखी वैवाहिक जीवन. ओके सुखी वैवाहिक जीवन करता काय काय आपल्याला आवश्यक आहे. मग त्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक लैंगिक स्वास्थ्य सगळ्या विषयी आपण त्या बोलू आणि त्याकरता आपण मॅक्झिमम दराला इन्व्हाइट करायचंय. तर मी आता रमा मॅडमला सांगेल की पुढच्या आठवड्यामधले कोणते सुटेबल डेट तुम्ही ठरवा त्याचं फ्लायर आपण बनवू आणि या निमित्ताने मॅक्झिमम इन्व्हिटेशन करू की सकाळी पण ते सेशन होईल आपण संध्याकाळी पण घेऊ काय लोकांकरता आणि या निमित्ताने आपले लोक इथे येतील आणि जे इतर फोरम मध्ये होत नाही हे लेक्चर्स तसं आपण इथे घेऊयात. मी आमचे जे मेंटर आहेत आमचे म्हणजे सायकोलॉजी मधले तर त्यांच्याशी बोलून त्यांच्या गाईडलाईनने एक लेक्चर मी तयार केले. एक पीपीटी अजून मला बनवायचे आहेत पण माझं ते तयार झालंय आणि छान पैकी आपण सगळ्यांना ते डिलिव्हर करू. डेफिनेटली आणि खूप सुंदर व्हॅल्यू ऍड केली सुधीर आणि अगदी बरोबर आहे त्यांचं की सरांनी जो मुद्दा सांगितला की अनोळखी व्यक्तींबरोबर जे आपण ट्रिपला जातो तर आपण इथे ओळखीच्या व्यक्तींबरोबर आपल्यासारखेच विचार असणारे किंवा आनंदी सुखी राहणारे निरोगी राहणाऱ्या लोकांबरोबर जेव्हा आपण जातो तर नक्कीच त्या ट्रिपची मजा काही और असते. आणि आता जे सर म्हणले खरंच रिअली अप्रिशिएटिंग आहे सर त्याच्यावर म्हणजे रिसर्च करून सगळं हे करून मग आपल्याला ते फ्री मध्ये देण्यासाठी तयार आहेत. तर नक्की आपण असं सेशन डिझाईन करूया सर. पुढच्या आठवड्यात आपली जी ऑर्गनायझेशन रिट्रीट आहे तर तिच्या डेट सोडून आपण डेफिनेटली हे अरेंज करूया सर. डेफिनेटली आणि खरंच खूप सुंदर सुंदर व्हॅल्यू आपल्या कॉलवर ऍड होत आहे. फक्त आणखीन ते लोकांना माहित नाही की इथे काय क्वालिटी मिळते तर त्याला थोडासा वेळ लागतो पण ठीक आहे. इट्स ओके. यस थँक्यू.